अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख जवाहर रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। जैसे कि आपका मेरा तारुफ़ बहुत पुराना, मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजिस्ट हूं, इसके अलावा एक स्पिरिचुअल कंसल्टेंट और जेम थेरेपिस्ट। हमदो सना रब्बुल अज़ीमुल करीम की, जो कि बड़ी ही रहमतों और बरकतों का मालिक है। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पे, जो कि परवरदिगार के बाद सब पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त और रहमत का बायस हैं और बरकत का बायस हैं हमारे लिए परवरदिगार की जानिब से। इस वक्त मैं आपको 19 से 25 मई 2019 आपका यह हफ़्ता कैसा गुजरेगा ये बताने के लिए जा रहा हूँ। गुज़श्ता कई हफ़्तों से ये बात चल रही थी कि इंशाल्लाह कुछ गुड न्यूज़ हैं जो मैं आपको दूंगा। उस सिलसिले की सबसे पहली गुड न्यूज़ ये है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम जो है वो लाइव प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं, जो कि इसमें आज़म के हवाले से है। तलाशे इसमें आज़म के नाम से इंशाल्लाह ये प्रोग्राम हम अपने इसी चैनल से स्टार्ट करेंगे, और उसमें आपका जो है वो कोशिश करूँगा कि मैं लाइव कॉल्स और उसी तरीके से आपको साथ साथ आपके इसमें आज़म बताता चला जाऊँ। इसके अलावा दूसरी गुड न्यूज़, जिसकी बड़ी देर से तैयारी हो रही थी, हमने जावा जेम्स की शक्ल में एक शॉपिंग कार्ट जो है वो आपके लिए लॉन्च किया है, जिसमें आपको तमाम जेम स्टोन्स के बारे में इंक्वायरी भी मिल सकेगी, आपको पिक्चर्स मिल सकेंगी, उनकी प्राइस, उनकी सब इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे, और आप इसको ऑनलाइन परचेज़ कर सकेंगे जेम स्टोन्स को। इसके अलावा मैं जावा जेम्स के नाम से ही अपना एक नया चैनल जो है वो स्टार्ट कर चुका हुआ हूँ। अगर आपने वो अभी तक विज़िट नहीं किया तो उसको ज़रूर विज़िट कर लीजिएगा, क्योंकि अब ये इंटरलिंक होता चला जाएगा सब कुछ, और जेम स्टोन का एक अलग सेक्शन जो है वो हम आपके लिए स्टार्ट करें। तलाश इसमें आज़म के हवाले से मैं ये कहूँगा कि अगले दो दिन इंशाल्लाह मैं इंतज़ार करूँगा कि आपकी राय का, कि आपको कौन सा टाइम जो है वो सूट करता है जब हम लाइव हों। मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं आपकी मंशा के मुताबिक चला सकूँ। जो सबसे ज़्यादा राय आएगी कि ये टाइम जो है वो सूट करता है आपको, जब आप जो है वो इस लाइव को देख सकें और इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उस टाइम को जो है वो प्रेफर करें। इस वक्त मैं आपको आपका ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा ये बताने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले बुर्ज अमल यानी 20 मार्च से लेके तो 20-21 अप्रैल के दरमियान जितने भी अफराद पैदा होते हैं ये बुर्ज अमल में आते हैं, या जिनको अपने कन्फर्म डेट ऑफ बर्थ पता नहीं और नाम के पहले रूफ अलिफ लाम एन और ये है, तो ऐसे तमाम अफराद भी बुर्ज अमल में आते हैं। आपका सैयारा मरीख है और अदद जो है वो आपका 9 बनता है जी, जो कि आपके लिए माफिक होता है। और जो बेहतरीन जेम स्टोन्स हैं वो आपके लिए मरजान है, रूबी यानी कि याकूत है, और अकीक सुरख अगर अच्छी क्वालिटी का हो तो ये भी बड़ा इफ़ेक्टिव आपके लिए होगा, और अकीक सुलेमानी, ये चारों पत्थर आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। आपका इस हफ्ता कैसा रहेगा, कुछ चीज़ें मैं आपको पिछले हफ्ते बता चुका सियारा मुश्तरी के बारे में भी, सियारा जोहल के बारे में, कि ये दोनों रिजत में हैं और इनके इफ़ेक्ट कब तक रहेंगे और किन किन चीज़ों को आपको डिस्टर्ब करेंगे। इस हफ्ते मैं आपको सिर्फ चीदा चीदा चीज़ें जो हैं वो बताने के लिए जा रहा हूँ, जो कि तब्दीलियाँ हैं। दो तब्दीलियाँ हमारे पास जो हैं वो आई, 15 को जोहरा जो है वो अपने घर में गया और 16 को जो है वो मरीख वो हबूत के घर में गया। तो ये दोनों तब्दीलियाँ बहुत अहम, ये भी आपको बताऊँगा, और कुछ अहम चीज़ें जो इस हफ़्ते में आपके साथ मतवक़ो हैं वो इंशाल्लाह आपको उससे आगाह करने की कोशिश करूँगा। जहाँ पे कोई प्रॉब्लम है वहाँ के लिए सदकात आपको विद वज़ाइफ वो साथ साथ ही इंशाल्लाह बताते चले जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये जो मालूमात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये आपके लिए फ्रूटफुल होती हैं, और साथ में ये भी कहूँगा कि चैनल, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन ज़रूर पुश कीजिएगा, और अगर आप पुराने हैं तो दोस्त साहब आपके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। आपका अपना रूलिंग प्लैनेट सबसे पहले जो है वो हबूत में आपके जायचे के चौथे घर में चला गया। ये आपका जो हाकिम सियारा है ये आपके 8वें और पहले घर का हाकिम है। 8वां घर आपका जायचे का अहम तरीन घर होता है, ये आपके शाख्ती माली वरासती के अलावा कुछ हादसात से जो है वो रिलेट करता है, तो इसको आपको बहुत फोकस करना है। मैरिटल जो लाइफ होती है उसके हवाले से भी 8वां घर बहुत अहम काउंट होता है। इसके अलावा 4था घर आपकी प्रॉपर्टी, आपकी ख़ानदान, आपका घर, आपके पीस ऑफ माइंड, आपकी रिहाइश की जगह, ये सब चीज़ें, और आपका फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनालिटी,
और पब्लिक इमेज जो है इससे रिलेट करता है। तो इसका सैयारा मरीख हबूत में चला गया। अब आपको इन तमाम सेक्टर्स में कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, कदर मोहतात रवि से चलिएगा ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना उठानी पड़े। सवारी और जगह की तब्दीली से कतई तौर पर गुरेज कीजिएगा। वालदा के साथ तल्लुकात जो है वो आपको बनाए रखने हैं, ख़ानदान के अफराद के साथ भी आपको तल्लुक बनाए रखने की ज़रूरत पेश आएगी। खाना माल का आपका हाकिम सैयारा ज़ोहरा अपने ही घर में आ चुका है, बहुत ही अच्छी पोजीशन। इसके यहाँ पे आने से इंशाल्लाह आपकी जो माली तंगी का एक सिलसिला चल रहा था, जो अखराजात में तेज़ी चल रही थी, वो अब कदरे बेहतर होना शुरू हो जाएगी। मरकरी यहाँ पे मौजूद है, सन मौजूद है, तो मरकरी जो है वो आपको इस तरफ लेके जाएगा कि आप अपनी स्पीच से, अपनी थाट से, अपनी अच्छी क्वालिटीज़ जो है उसको यूज़ करते हुए अपनी सोर्स ऑफ अर्निंग को आप बढ़ा सकेंगे और इस तरीके से आप इस मामले को बेहतर से बेहतर करते चले जाएंगे। कुदरत की तरफ से फाइनेंशियल मामला भी आपके अच्छे होने शुरू हो गए। सामाजिक ताल्लुकात, बेसिक आपकी जो एजुकेशन है और इसके अलावा आपकी जॉब, आपकी सेहत, इससे मुतलका से यार अभी अच्छी पोजीशन में ऐसी जॉब मिलने की तवक्को कर सकते हैं हम जो कि आपकी अर्निंग में इजाफे का बायस होगी इंशाल्लाह और आपकी माली पोजीशन में इस्तेहकाम लेके आएगी। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जोहल जो कि आपके 10वें 11वें का हाकिम है, चूँकि ये रिजत में है तो आपको अपने कैरियर के हवाले से बड़े सोच समझ के और मशावरत के साथ फैसला करना होगा। औलाद, इनामी बॉन्ड, लॉटरी और बच्चों के हवाले से और एजुकेशन के हवाले से भी पोजीशन आपकी तमाम हफ्ता बहुत ही ज़बरदस्त बनती नज़र आ रही है। स्पेशली 24 जुमा बड़ी अच्छी पोजीशन है, आपके लव अफेयर्स भी चल रहे हैं और आपकी मंगनी तय पाने के भी कभी इम्कान मौजूद हैं। बच्चों के हवाले से आप इंशाल्लाह कंफर्ट जोन में हैं और आपको अच्छी पोजीशन जो है वो मिलेगी। आपका आपकी सेहत, आपकी जॉब भी मैं आपको बता चुका, आपकी शादी, आपके अज़दवाजी तल्लुकात, आपकी शराकतदारी, इससे मुतलका सैयारा बहुत अच्छी पोजीशन में। ज़ोहरा खाना माल में आपके मौजूद है, तो इसकी खाना माल में मौजूदगी आपके अज़दवाजी ज़िंदगी को खुशियों की तरफ लेकर चलेगी इंशाल्लाह और आपके हाथ इस हवाले से खुला भी रहेगा। नई शराकतदारी की आपको ऑफ़र हो सकती है जो कि आपके माली जो स्टेबिलिटी है, जो इस्तेहकाम है, उसके लिए काफ़ी सूदमंद आपके लिए साबित हो सकती है। आपकी शादी तय पाने के कभी इम्कान मौजूद हैं और परवरदिगार ने मेहरबानी करे, मेरी दुआ है कि आपको एक बेहतरीन शरीक हयात जो है वो मिले। आपका बैरून मुल्क सफ़र और आपका इमिग्रेशन, आपकी हायर एजुकेशन, आपका स्पिरिचुअलिज्म, सोशलिज्म का अरब, इससे मुतलका सियारा मैंने पिछली बार भी बताया था कि अच्छी पोजीशन में नहीं है, रिजत में है। लेकिन इस हफ़्ते भी इसकी जो नज़रात हैं वो 25 हफ्ता बहुत अच्छी है और 20 जो है वो पीर ये अच्छी है। 20 और 25 ये दो दिन आपके लिए बेहतर होंगे। सोशलिज्म का अरब की तरफ मेल मुलाकात भी होगी, आना जाना भी होगा और एक अच्छी पोजीशन बनेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आपको बड़ा ही अच्छा रिस्पांस मिलता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जुपिटर की रिजत जो है वो प्रॉब्लम करेगी। तो आपको कदरे मोहतात रवि से लेके इसको चलें, इंशाल्लाह परवरदिगार के फजल में होंगे आप। इसके अलावा आपकी जो इमिग्रेशन और बैरून मुल्क रहते हुए जगह और सवारी की तब्दीली है, उसके लिए भी हालात जो है वो मुआफिक नहीं है। तो आपको इन तमाम सेक्टर्स को बड़ी ही एहतियात के साथ लेके चलना है। मजमूई तौर पे ये आपके लिए एक मिला जुला हफ्ता है। परवरदिगार से दुआ गो हूँ कि जितनी भी मुश्किलात हैं वो अपने हबीब के सदके आपसे दूर फरमाए। और एक बार फिर कहूँगा, इसमें आज़म के हवाले से अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। हमारा अगला बुज बुज सौर यानी कि टॉरस, ऐसे तमाम अफराद जो कि 21 अप्रैल से लेके तो 20-21 मई के दरमियान पैदा होते हैं, ये टॉरस में होते हैं, या ऐसे तमाम अफराद जिनके नाम के पहले हरूफ जो हैं वो बे या वाओ हैं, ऐसे तमाम अफराद भी जो है वो बुज सौर में आते हैं। ये वो अफराद हैं जिनको अपनी कन्फर्म डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, उनके लिए है। जो अगर आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी कन्फर्म पता है तो आप सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ से देखेंगे। आपका जो बुर्ज है वो सौर और सैयारा ज़ोहरा आपका लॉर्ड है, डिजिट 6 आपसे जो है वो मंसूब है और दिन जो है वो जुमा है आपका।
आपका जो लकी दिन है। और जेम स्टोन्स में आपके लिए दी बेस्ट जो है वो वाइट सफ़ायर है, डायमंड है, और इसके अलावा नीलम भी आप कुछ ख़ास हालात में जो है वो पहन सकते होते हैं। उसके अलावा आपके लिए बहुत अच्छा जो है वो ब्लू टोपाज है जी, ये बहुत अच्छे हैं। दुर नजफ आप पहन सकते हैं, ये तमाम चीज़ें आप पहन सकते हैं। इसी हवाले से हमने एक आपकी सहूलत के लिए ऑनलाइन शॉपिंग कार्ड जो है वो लॉन्च किया है, www.javajems.com के नाम से आप उसको जो है सर्च कर सकते हैं। इसका लिंक जो है वो भी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देते हैं, आप यहाँ से डायरेक्ट जाना चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट भी जा सकेंगे। इसके अलावा जावा जेम्स के नाम से ही हमारा यूट्यूब पे चैनल, उसके ऊपर आप जो भी जिस भी पत्थर के बारे में मालूमात लेना चाहें उसके ऊपर आप कमेंट्स कीजिए, हम आपको उसके बारे में वीडियो की शक्ल में इंशाल्लाह मालूमात आपको फराहम करेंगे। इस वक्त मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि 19 से 25 मई आपका ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। आपका लिए सबसे खूबसूरत जो चीज़ है वो साल की बेहतरीन चीज़ आपका अपना रूलिंग प्लैनेट आपके ताले में आ चुका है, 15 मई को ही आया है, और इसके ताले में आने से आपकी पर्सनालिटी ट्रेड्स में इजाफा होगा, आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्डअप होगा, और ये एक बड़ी ही अच्छी सिचुएशन है। आपकी मकबूलियत में इजाफा होगा, लोग आपकी तरफ अब खींचे चले आएंगे, वीनस मोहब्बत प्यार और रोमांस का जो है वो सितारा, तो इस तरह आपकी पर्सनालिटी में ये सब चीज़ें जो हैं वो अब डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी। आपके खाना माल का हाकिम जो कि आपके 5वें घर का भी हाकिम है, आपके ताले में मौजूद है, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी बनती नज़र आ रही है आपकी, और इसी तरह आपकी जो मंगनी है वो तय पाने के भी कभी इम्कान मौजूद हैं। इसके अलावा आपके लव अफेयर्स वो भी अच्छी सिचुएशन में, लेकिन गुफ्तगू में आपको बहरहाल अब एहतियात करनी है क्योंकि मरकरी जो है आपका वो सन के करीब होकर गुरूब हो रहा है, तो आपका जो फ्योंसी है वो भी अब आपके साथ कुछ मिस, हम उसको कहते हैं मिसबिहेव कर सकता है, या कोई ऐसी गुफ्तगू जो है अपने जुमले इस्तेमाल कर सकता है जो कि हार्ड टचिंग होंगे, आपको इस पर थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना ही बेहतर होता है। आपके समाजी ताल्लुकात बहन भाई और अजीज़ो कारब, इससे मुतल्लिका सैयारा कमर जो है वो इस स्टार्ट में इतवार वाले दिन सुबह के टाइम तो हबूत में था, मैंने लास्ट टाइम उसकी आपको सदका भी बताया था, उम्मीद है आपने वो सदका ज़रूर दिया होगा, अगर नहीं दिया तो पहली फुर्सत में उसको दे लीजिए। ये मरीख यहाँ पे आया है तो ये अब आपको नज़दीकी सफ़रों में बहुत ही मोहतात रहना पड़ेगा। बहन भाई अजीज़ो कारब के साथ आपके तल्लुका जो है वो कदरे कशीदा कर सकता है मार्स की यहाँ मौजूदगी, अजीज़ो कारब के साथ तल्लुका जो हैं वो कशीदा हो सकते हैं, आपके समाजी तल्लुकात वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। मरीख जो कि आपके 8वें और 12वें का भी हाकिम है, तो 7वें और 12वें का हाकिम है, 7वां घर आपके अजवाजी तल्लुकात हैं, आपका शरीक हयात है, तो यहाँ पे आपको बड़ी ही मोहतात रवि से जो है वो चलना पड़ेगा। कोशिश कीजिएगा कि आपके क्लैश ना बनने पाए, अदरवाइज़ ये मामला जो है वो सेपरेशन की तरफ जा सकता है। आपकी तयशुदा शादी भी जो है वो अब पेंडिंग होती नज़र आ रही है, इसी तरह अगर आपने इमिग्रेशन अप्लाई की हुई थी तो ये दौरानी आपके लिए अच्छा नहीं होगा और आपके केस जो है वो डिक्लाइन हो सकते हैं। नई इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए या बैरून मुल्क रहते हुए सवारी और जगह की तब्दीली के लिए हालात आपके लिए कतई मुआफिक नहीं होंगे। आपके 4वां घर बैतुल अर्ज़ का हाकिम सैयारा ताले में है, अच्छी पोजिशन घर में, फैमिली में, ख़ानदान में, आपकी इज़्ज़त तौकीर में जो है वो इजाफा हो रहा है, और सवारी और जगह की तब्दीली जो है उसके बारे में आपका जहन बन रहा है, आप घर की तज़ीन और आराइश के बारे में सोचेंगे, कुछ तब्दीलियों के, बड़ी अहम तब्दीलियों के बारे में आप सोचेंगे, और ऐन मुमकिन है कि आप अपनी सहूलत के लिए कुछ बेहतर सवारी के असूल के लिए कोशां हों, और इन तमाम चीज़ों में आपको कामयाबी होती नज़र आ रही है। आपकी सेहत, आपकी जॉब, आपके मुलाजमीन, ये भी सेक्शन बहुत ही अच्छी पोजिशन में जा रहा है, आपको एक बेहतर जॉब मिलने की उम्मीद है, और आपकी सेहत में भी बेहतरी इंशाल्लाह मतवक्का है, मुलाजमीन की तरफ से भी इंशाल्लाह आप कंफर्ट जोन में इस हफ़्ते नज़र आ रहे हैं। स्पेशली 22 तारीख बुध वाले दिन बहुत ही एक अच्छी पोजीशन है। इसके अलावा आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे मुतात करता चलूँ, आपके 10वें घर कैरियर के घर का हाकिम सैयारा जो कि आपके 9वें घर का भी हाकिम सैयारा है, ये रिजत में है, तो इस वक्त बैरून मुल्क जो है वो जॉब के लिए देखना अच्छा नहीं होगा, आपके बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से कुछ रुकावटें अब पैदा हो चुकी हैं, आपके कैरियर रोज़गार के हवाले से भी कुछ रुकावटें यहाँ पे मौजूद हैं। आपका सीनियर जो है उसके साथ आपका वो पैचअप नहीं होगा जो कि पहले दिनों में था,
तो कदरे थोड़ा सा मोहतात होके, हालांकि आपका अपना रूलिंग प्लैनेट जो है वो आपके ताले में आ जाने से एक अच्छी पोजीशन जो है वो बन गई है, और ये आपके लिए एक ज़बरदस्त जो है वो अपॉर्चुनिटी लेके आएगी। आपके अजवाजी ताल्लुकात, आपकी शराकतदारी मैं बता चुका, इंतहाई ख़तरे में, आपको इसे हर सूरत बचाना है। और अगर आपने इसको मोहतात रवि से ना चले तो फिर आपके मबैन खुदा ना खास्ता कमिंग डेज़ में जो है वो सेपरेशन की तरफ मामला जा सकता है। वरासती आपके मामलात, आपकी लक, आपका दो सहबाब, आपके शक्ति माली मामलात, इसका हाकिम से अरबी रिजत में, तो यहाँ से अब कदरे आपको थोड़ी सी रुकावट जो है वो फेस करनी पड़ रही है। वरासती मामलात भी जो है अब वो कदरे तवील होते चले जा रहे हैं, अगर आपके कोई करीब थे फैसले होने के तो अब वो तवालत इख्तियार करते चले जा रहे हैं। इसी तरह सुसाली जुकारब के साथ आपको तल्लुकात जो हैं वो बनाए रखने कदरे मुहाल होंगे। अब जोल की रिजत जो है वो आपके मबैन कुछ फासला बढ़ा रही है, जो कि गुज़श्ता माजी में बेहतर था, लेकिन अब जो मुस्तकबिल करीब है वो कुछ बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा, तो इस पर आपको ख़ास फोकस करना है। तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ आप इस मामले को लेकर चलेंगे तो ये बेहतर होगा। अपना बिज़नेस करने वालों के लिए भी ऐसे प्रोग्राम्स अब आपको लेके चलने पड़ेंगे जो कि तवील दौरानी के हो, मुख्तसर दौरानी के जो आपकी प्लानिंग्स हैं वो कामयाब अब होती नज़र नहीं आ रही। तो इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि आपको बेहद मोहतात होकर चलना है। 23 तारीख बहुत अहम होगी इस हवाले से, आपके कारोबारी मामलात के हवाले से कुछ अहम फैसले जो हैं वो मतवक्का हो सकते हैं। तो मजबूती तौर पर ये आपके लिए एक मिला जुला हफ्ता है। मोहतात रवि से अगर आप चलेंगे और मेरी हिदायत पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। दुआ रद्द नुसत सियारगान पढ़ना अपना मामूल बनाइए, जो कि कम्युनिटी सेक्शन में भी मौजूद है, आप व्हाट्सएप पे भी डिमांड कर सकते हैं, और इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज पे जो कि शेख जवारजा जावा के नाम से ही है, आप वहाँ भी देख सकतेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये मालूमात जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं ये आपके लिए फ्रूटफुल साबित होंगी। हमारा अगला बुज बुज जोज़ा और हाकिम सियारा आपका जो है वो अतारद है। ऐसे तमाम अफराद जो कि 20-21 मई से लेके 20 जून तक पैदा होते हैं, ऐसे तमाम अफराद जो है वो बुज जोज़ा में आते हैं। अगर आपको अपनी कंफर्म डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है और आपके नाम के पहले रूफ काफ या क्याफ से शुरू होते हैं तो आप बुज जोज़ा में आते हैं। आपका हाकिम सियारा अतारद है। दिन आपसे बुध मनसूब है, अदद जो है वो 5 मनसूब है। जवाहरात में आपके लिए सबसे बेहतरीन जो जवाहिर है उसमें एमरल्ड यानी कि जमुर्रद आता है, उसके बाद आप फिरोज़ा पहन सकते हैं, आप जर्द पुखराज पहन सकते हैं, आप पेरीडो पहन सकते हैं, ग्रीन अगेट पहन सकते हैं, ये तमाम चीज़ें आपके लिए बेहतरीन साबित होंगी इंशाल्लाह। गुड न्यूज़ ये है कि इंशाल्लाह जो कि बड़ी देर से चल रही थी, पेंडिंग थी, आपके लिए हमने जो है वो एक ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट जो है वो लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपको अपनी पसंद के तमाम पत्थर जो हैं वो भी मिल सकेंगे, इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। आप इसको ऑनलाइन जो है वो पिक्चर्स भी देख सकते हैं, उनके वज़न, उनकी प्राइस, ट्रैकिंग, हर चीज़ वहाँ मौजूद है, तो आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे नंबर भी मौजूद होंगे, आप अगर बाय सेल्फ ज्वाइन करना चाहें तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपका ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा? 19 से 25 मई, ये आपके लिए एक मिला जुला हफ्ता है। कुछ तब्दीलियाँ बहुत अहम, पिछले हफ्ते जो है वो 15 को जोरा ने घर तब्दील किया है, 16 को मरीख ने घर तब्दील किया है, तो इसकी जो तब्दीलियाँ हैं वो अब आपके लिए खासी अहम है, तो स्पेशली आपको जो है उस पर फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा। आपका अपने पर्सनैलिटी का हाकिम सियारा जो है वो जायचे के 12वें मौजूद है। लाशौरी तौर पर आप जो है वो कदर डिप्रेस्ड हैं, आपको समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन ये थोड़े दिन मज़ीद रहेगा इंशाल्लाह। अल्लाह की घर से उम्मीद है कि अगले हफ्ते की जब वीडियोस बन रही होंगी तो मैं आपको ये गुड न्यूज़ दे सकूंगा कि ये मामला आपका बेहतर हो गया। मरीख जो कि आपके 6 और 11वें का हाकिम सेहर है, ये आपके जायचे के दूसरे आ गया है। 6ठा घर आपकी सेहत से मुतल्लिक है, तो आपको अपनी सेहत का बहुत ख्याल करना पड़ेगा। खाना माल में आया है तो, और 11वें का हाकिम है
तो अब मुझे जो मैं देख रहा हूँ, आप जो है वो अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए जो है कुछ अखराजात करने जा रहे हैं जो कि इजाफी अखराजात में शुमार होंगे। आपको बहुत एहतियात से चलना है वरना ये सिलसिला 2 जुलाई तक चलेगा, आप माली बहरान का शिकार हो सकते हैं। तो एहतियात हर चीज़ से जो है वो बेहतर है। इसके अलावा ये आपके छठे घर का हाकिम है, सेहत का खास ख्याल कीजिएगा। ब्लड से रिलेटेड कोई एलर्जी कोई अगर मुमकिन हो तो अपना ब्लड टेस्ट एक बार ज़रूर करवा लीजिएगा, और अपनी सेहत का आपने ख़ास ख्याल करना है। बहुत ही आपके लिए ज़रा एहतियात की आपको ज़रूरत होगी। आछी असले से और तेज़ धार आलात से इसको आपको दूर रहना है। दोस्त साहब आपके साथ उधार देने की गलती मत कीजिएगा। लेन देन से अब आपको जो है वो गुरेज करना होगा, स्पेशली दोस्तों के साथ, वरना ये आपको पैसे जो है वो वापस नहीं मिल सकेंगे। जॉब छोड़ने की गलती मत कीजिएगा, वरना ये भी आपको माली बहरान से शिकार कर सकती है। आपके तीसरे का हाकिम अभी भी जायचे के बारे में मौजूद है, तो तीसरे का हाकिम जब 12वें में मौजूद होता है तो आप बहुत सारे एक्सपेंसेस आपको जो है वो अपनी सोशल एक्टिविटीज़ पर करने पड़ते हैं, अपने सोशल स्टेटस को बचाने के लिए करने पड़ते हैं। बहन भाई अजीज़ों का रब और नज़दीकी जो आपका सोशल हलका अहबाब है उसकी तरफ से कुछ नेगेटिव जो है ना वो वेव्स आप तक आती हैं, आपको पता चलता है कि ये कुछ नेगेटिविटी है जो आपको फील हो जाती है, तो यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। आपके चौथे घर का हाकिम सैयारा आपके जायचे के 12वें मौजूद है, तो ये आपको बैरून मुल्क सफ़र करवा सकता है, और अगर इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहें तो इस हवाले से ये एक बेहतरीन जो है वो वक्त आपके लिए शुमार होगा। लेकिन मैं यहाँ पे बता दूँ, ये इमिग्रेशन के लिए वक्त है, ये ऐसा वक्त नहीं है कि आप सिर्फ ट्रैवल करना चाहें एजुकेशन के लिए या वैसे कुछ दिनों के लिए। इमिग्रेशन सिर्फ आप जो परमानेंट रेजिडेंसी है उसके लिए आपके लिए अप्लाई करना काफ़ी बेहतर होगा। इसी तरह सवारी और जगह की तब्दीली के हवाले से आपको मोहतात रह के जो है ये करना होगा। अगर आप कोई जायदाद ख़रीद या फरोख्त कर रहे हैं तो आपको बहुत ही मोहतात तरीके से अपने वकील के साथ मशवरा ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके अगेंस्ट कोई ट्रैप भी हो सकता है, एहतियात कीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स लाजमी चेक कीजिएगा, एक बार दो बार कम अज़ कम जो है वो लाजमी उसको चेक करके फिर आप ऐसा कोई भी काम जो है वो कर सकते हैं। आपकी मंगनी तय पाने के कवी इम्कानात मौजूद हैं, बच्चों की तरफ से इंशाल्लाह आपको कंफर्ट मिलेगा। आपके बच्चे कतरे ज़हनी दबाव का शिकार हो रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह आपका जो मोराल है वो अच्छा है और आप उनको कवर कर सकते हैं। थोड़ी सी उनको टाइम देने की ज़रूरत होगी आपको, कि थोड़ा सा उनको टाइम दें, उनके साथ बैठें, थोड़ा सा उनके मसाइल सुने, तो इस तरह आप उनके ज़हनी दबाव में कमी कर सकते हैं। मंगनी तय पाने के जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा इम्कान मौजूद हैं। लव अफेयर्स आपके जो हैं वो बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है। सैयारा जो है वो 5वें का हाकिम आपके जायचे के 12वें में आया है, तो ये आपके लिए कुछ लाशौरी तौर पे कुछ इस हवाले से जो है वो परेशानी लेके आ सकता है। इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने वालों के लिए जो है ये एक मिली जुली सिचुएशन होगी, तो अगर आप चांस लेना चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी के तहत जो है वो चांस ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इनामी बॉन्ड की तरफ जाइएगा, ये जो पर्ची वाला सिस्टम है या नंबरिंग वाला सिस्टम है ये आपको कतई सपोर्ट नहीं करेगा। आपकी सेहत, आपकी जॉब के बारे में बता चुका, आपके शराती अजदवाजी तल्लुकात, आपका कैरियर रोज़गार बहुत अहम, आपकी मदर इन लॉ, आपका फ्योंसी, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सॉरी जुपिटर की रेट्रोग्रेशन की वजह से अब डिस्टर्ब होती नज़र आ रही हैं, तो आपको यहाँ पर ख़ास ख्याल करना पड़ेगा। स्पेशली आपके लिए 2 दिन जो है वो बड़ी ही मोहतात रहने के हैं, एक तो 25 तारीख है और एक 20, 20 और 25, ये 2 दिन आपको मोहतात रवि से चलना है। कुछ तब्दीली आएंगी जो कि कुछ नेगेटिव भी हो सकती हैं, तो बेहतर होगा कि आप इन चीज़ों को बैलेंस करके चलाएं ताकि आपके तल्लुका जो है वो बचे रहें। आपके सोशलिज़ करब, आपके शक्ति अजवाजी तल्लुकात, आपका स्पिरिचुअलिज्म, बैरून मुल्क सफ़र, इससे मुतलका से यारा पिछले हफ्ते की तरह अभी भी रिजत में कोई तब्दीली नहीं, मैं आपको उसके बारे में पहले ही गाइड कर चुका हूँ। आपकी ख्वाहिशात, आपकी लक से मुतलका से यारा मरीख, इसके बारे में मैं आपको गाइड कर चुका कि अब आपके जायचे के 12वें घर में दो साहब आपके साथ आपको तल्लुका जो है उनको ज़रा कुछ बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ऐन मुमकिन है कि दो सवाब की वजह से आपको कुछ इजाफी अखराजात का सामना करना पड़े, लेकिन रुपया कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको दोस्तों के से जो है वो मुकदम कर लिया जाए। तो अगर आप ज़हनी तौर पर तैयार होंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप इस मामले को बेहतर तरीके से जो है वो
अंजाम पजीर कर सकेंगे। और इंशाल्लाह परवरदिगार ने मेहरबानी की तो ये वक्त गुजर जाएगा, रहने वाली ज़ात तो सिर्फ़ परवरदिगार की है। दुआ रद्द नुसरत सियारगान मैंने पिछली बार भी रिकमेंड किया था, स्पेशली इस बार फिर आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, 9 मरतबा रोज़ाना लाजमी पढ़िए, और अगर मुमकिन हो तो सुबह शाम पढ़िए 9 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। मरीज़ जो कि आपके खाने माल में आया है और अखराजात में रुकावट और तेज़ी का बायस होगा, इससे मुतलका जो सदका है वो 900 ग्राम मंगल वाले दिन 900 ग्राम 900 ग्राम जिसको कहते हैं, इसका सदका दाल मसूर की शक्ल में या कलेजी की शक्ल में देना आपके लिए बहुत ही फ़ायदा मंद होगा। मजमूई तौर पे ये आपके लिए कदर मोहतात रविश इख्तियार करने का हफ़्ता है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी हिदायत पे अमल करेंगे और इंशाल्लाह इंशाल्लाह इन तमाम मसाइल से जो है वो बचते हुए अपना ये हफ़्ता बेहतर तरीके से गुजार सकेंगे। हमारा अगला बुर्ज बुर्ज सरतान यानी कि कैंसर, ऐसे तमाम अफराद जो कि 21 जुलाई से लेके 24 अगस्त तक पैदा होते हैं, ऐसे तमाम अफराद बुर्ज सरतान में आते हैं। और अगर आपको अपनी कंफर्म डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है और आपका नाम के जो पहले हरूफ हैं वो हे से शुरू होते हैं तो भी आप बुर्ज सरतान में ही आते हैं। और आपका हाकिम सैयारा कमर दिन जो है वो पीर आपसे मंसूब है और अदद 2 आपसे मंसूब है। जवाहरात में आपके लिए दी बेस्ट जो है वो पर्ल पहनना जो है वो बेहतरीन होगा। ख़वातीन इसको जो है वो अंगूठी के अलावा ब्रेसलेट की शक्ल में या नेकलेस की शक्ल में भी पहन सकती हैं, किसी भी तरीके से आप पहन सकते हैं। इसी तरह मेल हज़रात भी अपनी सहूलत के मुताबिक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मूनस्टोन, हिजुल कमर भी और दुर नजफ़ भी जो है वो आपके लिए बेहतरीन शुमार होते हैं। आपका ये हफ़्ता एक मिला जुला हफ्ता है। आपके जो सियारगान पिछले मैंने आपको बताया था, आपकी सेहत, आपके अजदवाजी तल्लुकात, आपके सोशलिज़ों का रब और आपके वरासी शारती मामला तो जू के तू जो हैं वो चल रहे हैं, उसमें कदर बेहतरी 20 तारीख को और 25 तारीख को है आपकी सेहत और जॉब के हवाले से। लेकिन उसके अलावा जो है वो मामला वैसे के तैसे ही हैं, लेकिन जो तब्दीलियाँ हैं वो है सियारा जोहरा, बहुत अच्छी तब्दीली। आपके जायचे के 11वें घर में आया है जो कि आपके 4थे घर का भी हाकिम है और अपने घर में आया, आपकी लक में इजाफा करेगा, आपकी ख्वाहिशात जो है उसकी तकमील होती नज़र आ रही है, घर प्रॉपर्टी सवारी इसकी हसूल जो है वो मुमकिन होगा इंशाल्लाह। इसी तरह वालदा के साथ आपके तल्लुकात अच्छे होंगे, दोस्त अहबाब के साथ मेल मिलाप जो है वो इस हफ़्ते अरूज पे रहेगा, स्पेशली 22 तारीख बुध को आपका मेल मिलाप जो है वो अरूज पर होगा और आपकी ख्वाहिशात की तकमील होती नज़र आ रही है। आपकी तवज्जो बहुत सारी अब जो है घर की तज़ीनो आराइश पर रहेगी, लेकिन आपको अब चूँकि आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में मरीज आ चुका है तो जल्दबाजी से आपको गुरेज करना पड़ेगा और गुस्से को आपको ज़रा कंट्रोल करके चलाना पड़ेगा मामलात को, तो इंशाल्लाह ये बेहतर चलेंगे। माली पोजीशन इस हफ़्ते भी आपकी जो है वो अच्छे, इतवार वाले दिन कदरे आपके खर्चात में तेज़ी रहेगी, जबकि 24 जुम्मा जो है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आपकी कहीं से रुकी हुई पेमेंट जो है वो भी आपको इंशाल्लाह मिलने की उम्मीद है और माली पोजीशन जो है उसमें इस्तेहकाम होता नज़र आ रहा है। आपकी सोशल एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी अरूज पे हैं और दोस्त अहबाब बहन भाई अज़ीज़ो क़रब के साथ आपके तल्लुकात तो बेहतर हैं। आपके अज़ीज़ो क़रब भी आपकी ख्वाहिशात की तकमील में आपके लिए मुआविन होते नज़र आ रहे हैं। आपके लव अफेयर्स, आपकी औलाद, आपकी मंगनी तय पाने के इम्कान कम हैं, आपके लव अफेयर्स अब इख्तलाफात का शिकार होने जा रहे हैं, आपको अपने मिजाज को धीमा रखना पड़ेगा अदरवाइज़ आपकी मामला ख़राब हो जाएंगे। इसी तरह आपकी मंगनी भी जो है वो अब ख़तरे में होगी, ये मरीख की वजह से है और मरीख 2 जुलाई तक यहाँ पे रहेगा आपके ताले में। बेहतर होगा 900 ग्राम दाल मसूर का सदका दीजिए ताकि आप इस मामले को बेहतर तरीके से डील कर सकें। अगर आप कोई खातून हैं अब प्रेग्नेंट हैं, मैं पहले काफ़ी अर्से से कहता चला आ रहा हूँ मरीख की नेगेटिव पोजिशन की वजह से अब जो है ये और नेगेटिव हो गया, पहले ये वबाल में था अब ये हबूत में, ये कुदरत का निज़ाम है किसी के इख्तियार में नहीं, लेकिन अगर इंसान को पता हो कि यहाँ पे उसके लिए ख़तरा है तो वो एहतियात करता है। जैसे रोड पे लगे सिग्नल्स आपको बताते हैं कि अब आपको रेड लाइट पे रुकना है,
ताकि आप किसी के साथ हादसे के शिकार में ना हो, दूसरी तरफ से ट्रैफिक जो है वो चल रही। तो एग्जैक्टली ये एक रेड लाइट है इस वक्त आपके लिए, आपको अपनी प्रेगनेंसी का बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ेगा। इनामी बॉन्ड और इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने वाले जो अफराद हैं टॉरस कैंसीरियन, तो आपको अब ऐसी किसी भी एक्टिविटी से गुरेज करने, आपके इनाम निकलने के कोई इम्कान भी नहीं है। इसी तरह अपने करियर रोज़गार के हवाले से जल्दबाजी से आपको गुरेज करने, जल्दबाजी में किए गए फैसले आपके नुकसानदेह होंगे। कारोबार की तब्दीली या सीनियर के साथ अगर आप जॉब पर्सन हैं तो सीनियर के की तरफ से आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है, आपको किसी इंक्वायरी का सामना करना पड़ सकता है अगले दिनों में, तो बेहद मोहतात रविश आपको इख्तियार करनी होगी। इमिग्रेशन और बैरून मुल्क रहते हुए सवारी और जगह की तब्दीली के हालात कतई तौर पे आपके मुआफिक हैं, आप ऐसा कोई भी स्टेप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। लेकिन दूसरा वीज़ा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से, तो वो अच्छा आपके लिए साबित नहीं होगा। तो इस तरह ये एक मिला जुला हफ्ता है, कुछ तो वही पिछले जो सियारगन है उसकी बाजगश्त है और कुछ चीज़ें आपके लिए नई थी। उम्मीद करता हूँ जो मालूम मैंने आपके साथ शेयर की हैं ये आपके लिए फ्रूटफुल होंगी। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि जेम स्टोन्स के हवाले से एक नया सिलसिला हमने स्टार्ट किया हुआ है, जावा जेम्स की शक्ल में चैनल भी हमने यूट्यूब पे बनाया, और अब हमने उसके लिए एक ऑनलाइन शॉपिंग कार्ड जो है वो आपके लिए लॉन्च किया, जो इंशाल्लाह 15 रमज़ान से विजिबल होगा आपके लिए, और आप वहाँ पे विज़िट कर सकेंगे। जेम स्टोन जो भी आप लेना चाहेंगे अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, दोस्त अहबाब के लिए, ईद आ रही है तो एक बेहतरीन गिफ्ट वो जो कि आपके जिसको भी आप गिफ्ट देना चाहते हैं उसके लिए फ्रूटफुल भी हो, तो आपके लव वंस के लिए ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको हम जो है वो दे रहे हैं। स्टार्टअप में इस पे बहुत सारी चीज़ें हमने सेल की शक्ल में भी करनी है, उम्मीद करता हूँ आप उस सेल से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अगर चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन ज़रूर पुश कर लीजिएगा, और अगर आप पुराने हैं तो ये वीडियो दोस्त है आपके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारा अगला बुज बुज असद यानी कि लियो, ऐसे तमाम अफराद जो कि 24 अगस्त से लेकर 24 सितंबर के दरमियान पैदा होते हैं लियो होते हैं, और अगर आपको कंफर्म डेट ऑफ बर्थ आपकी पता नहीं है और कैपिटल वर्ड एम यानी कि मीम है तो आप भी जो है वो बुज असद में आते हैं। आपका सैयारा शम्स है जो कि पूरी गलेक्सी का लॉर्ड है, और मैंने अक्सर लियो को देखा है ये बिल्कुल शेरों जैसी फितरत के मालिक होते हैं, और यानी पेट भर के खाना, पेट भर के आराम करना, मेहनत के वक्त बेहद मेहनत, और दोस्तों के दोस्त होते हैं, बड़े अच्छे और लॉयल किस्म की पर्सनालिटी जो है वो लियोज़ में पाई जाती है। हरूफ में मैंने आपको बताया एम यानी कि मीम है, अदद एक है जो कि वहदनीयत का भी अदद है, आपसे मंसूबा ये, और दिन जो है वो आपसे इतवार मंसूबा है। मुआफिक पत्थरों में आपके लिए सबसे जो बेहतरीन है वो याकूत है यानी कि रूबी, अच्छी क्वालिटी का पहने, और इसके अलावा डायमंड है, लेकिन डायमंड बहुत एहतियात से किसी जेम थेरापिस्ट से या किसी प्रोफेशनल किस्म के एस्ट्रोलॉजिस्ट से जो है वो रिकमेंडेशन के बगैर ना पहने। इसके अलावा आप जरकून पहन सकते हैं, लसनिया पहन सकते हैं, ये आपके लिए बेहतरीन पत्थर है। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, समटाइम ये बिल्कुल डिफरेंट निकलता है, इंडिविजुअल आप अपना चार्ट बनवा के तो उसमें अपना पत्थर जो है वो सजेस्ट करवा सकते हैं कि आपको कौन सा पत्थर जो है वो बेहतरीन सम्राट देगा। हमारे पास जो हम एक रिपोर्ट बना के देते हैं जेम्स थेरेपी के हिसाब से, उसमें तकरीबन कोई 14 से 18 ऑप्शंस हम देते हैं कि किस किस काम के लिए आपको कौन सा पत्थर वेयर करना चाहिए। समटाइम एक ही पत्थर आपके चार काम कर रहा होता है, पांच काम कर रहा होता है, दो कर रहा होता है, फिर हम उसके साथ साथ बताते हैं कि आपको कौन सा पत्थर किस दिन, किस वक़्त, किस मेटल और किस फिंगर में वेयर करना चाहिए आपके जायचा पैदाइश के मुताबिक। ये एक बड़ा ही बारीक और नफीस किस्म का काम है जो बेहतरीन रिजल्ट्स देता है। जेमस्टोन्स के हवाले से एक यूट्यूब पे नया चैनल हमने जावा जेम्स लॉन्च किया हुआ है, उसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा, और आपके लिए एक वेबसाइट हमने लॉन्च की है, ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट यानी कि आप ऑनलाइन जो है अपने
पसंदीदा पत्थर जो है वो परचेज़ कर सकेंगे, देख सकेंगे, उनकी कीमतें आपको मालूम हो सकेंगी। ये www.javagems.com के नाम से अब आपके लिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मौजूद होगा, सिर्फ़ एक लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको ये मिल जाएगा। इस वक्त मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि 19 से 25 ये हफ़्ता आपका कैसा गुजरेगा। ये हफ़्ता पिछले से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। पिछले हफ्ते में मैंने आपको बताया था कि आपका जोहल मुश्तरी दोनों रिजत में हैं और मरीख आपका जो है वो बाल में था, मरीख अब बहबूत में जा चुका है। मुश्तरी जो कि आपके जायचे के पाँचवें और आठवें घर का हाकिम है, आपकी मंगनी, आपकी लव अफेयर्स, आपके बच्चों के हवाले से, आपकी एजुकेशन स्केल 12 से 14 के दरमियान जो है उसके हवाले से, और आपके शक्ति अज़दवाजी जो मामलात हैं, जो वरासती मामलात हैं उसके हवाले से, और जोहल आपकी जॉब, आपके शक्ति अज़दवाजी तल्लुकात, आपकी सेहत, आपके मुलाजमीन, इसके हवाले से ये दोनों सैारे जो हैं बड़े ये रिजत में हैं, तो इनकी रेट्रोग्रेशन जो है वो आपके मामलात में कदरे रुकावट का बायस बनती है। तो इन तमाम चीज़ों को आपने बड़ी मोहतात होकर लेके चलना है। अहम तब्दीली सैारा जोहरा जो कि 15 तारीख को आपके जायचे के 10वें कैरियर के घर में आ चुका है। कैरियर के घर में इसके आने से और शमस के कैरियर के घर मौजूद होने से आपके कैरियर को अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार की मेहरबानी से 4 चांद लग सकते हैं। ऐसे अफराद जो कि अपना बिज़नेस कर रहे हैं स्पेशली, और स्पेशली अगर उनका बिज़नेस जो है वो लेडीज़ से मुतल्लिक है, चाहे वो गारमेंट्स है, चाहे वो कॉस्मेटिक्स है, इंटीरियर डेकोरेशन है, या ज्वेलरी वगैरह है, लेडीज़ से मुतल्लिका या आराइश और ज़ेबाइश से मुतल्लिका कोई भी काम कर रहे हैं उनके लिए ये एक गोल्डन पीरियड इंशाल्लाह साबित होगा, और आपको बेहतरीन फैसले करने का मौका मिलेगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी। इस हफ़्ते में बिलखसूस 22 तारीख बेहतरीन वक्त है और 24 तारीख आपको बेहतर फैसले करने का जो है वो मौका मिलेगा। दो सहबाब जो हैं वो आपके कैरियर रोज़गार के हवाले से आपको अच्छी हेल्प करते नज़र आ रहे हैं। जोहरा जो कि आपके जायचे के तीसरे घर का भी हाकिम है, तो इस तरह आपकी समाजी तकरीबात भी जो है वो अरूज पे होंगी और बहन भाई यजु करब के साथ भी आपके तल्लुकात बेहतर होंगे और यहाँ से भी आपको जो है वो अपने कैरियर रोज़गार को बेहतर बनाने में मदद मिल सकेगी। लेकिन जॉब पर्सनस को जो है कदरे मोहतात रहना होगा। हाँ, यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ हो रही है, वह ये हो रही है कि आपके अपने सीनियर के साथ तल्लुकात जो है वो इंशाल्लाह बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो परवरदिगार की मेहरबानी से आपके लिए एक अच्छी पोजीशन बनी है, आप इसे भरपूर तरीके से मुस्तफीद हो सकेंगे। आपका जो 11वें घर का हाकिम सैयारा है जो कि आपके खाना माल का भी हाकिम है, आपकी लक में इजाफा कर रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी कर रहा है, आपका बिज़नेस, आपका कारोबार अच्छी तरफ जो है वो गामजन है। अगर इस सूरत हाल के बावजूद भी आपका बिज़नेस उस तरह से नहीं चल रहा जैसे मैं बता रहा हूँ, तो फिर बेहतर है कि अपना जायचा पैदाइश बनवाएं, कहीं वहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि इस वक्त जो पोजीशन है उसने आपकी माली पोजीशन को इस्तेहकाम देना है और ये ऐसी पोजीशन है जो कि आप अपनी सूझबूझ से इंशाल्लाह आप हासिल कर सकेंगे। खानगी मामला आपके बहुत अच्छे नहीं है, खानगान के कुछ अफराद जो हैं वो अब आपके ख़िलाफ़ जो है वो खुफिया साजिशों में मुलव्वस हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ यह है कि उनको कामयाबी होती नज़र नहीं आ रही। सवारी और जगह की तब्दीली के लिए कतई तौर पर हालात जो हैं वो साजगार नहीं है। वालदा की वजह से आप कदरे ज़हनी लाशोरी तौर पे आपको कुछ इंडिकेशन मिल रही होगी कि यहाँ से कोई प्रॉब्लम खुदा ना खास्ता हो सकती है, तो अपनी वालदा के साथ अपनी कम्युनिकेशन बढ़ाइएगा। उनके मिजाज में अगर कोई तेज़ी हो, कोई मामला हो, तो उसको इग्नोर कीजिएगा और अपने मामलात को बेहतर तरीके से लेकर चलने की कोशिश कीजिएगा। स्पेशली 21 तारीख मंगल इस हवाले से एक बहुत अहम दिन होगा, आपको इस पर फोकस करना है। आपका बैरून मुल्क सफ़र, आपकी इमिग्रेशन, इससे मुतलका सैारा मरीख ये भी अच्छी पोजीशन में नहीं है, हबूत में, तो आपके बैरून मुल्क सफ़र की में रुकावट अब आ रही है। सुसाली जुकार के साथ तल्लुकात कशीदा हो रहे हैं। आपकी एजुकेशन जो कि स्पेशलाइजेशन की शक्ल में है, और स्पेशली अगर आप एब्रॉड में एजुकेशन ले रहे हैं तो फिर खुदा न हाजा किसी भी वजह से आपको वापसी की राह जो है वो देखनी पड़ सकती है। परवरदिगार आपको अपनी अमान में रखे। मेरी दुआ है कि परवरदिगार करे कि जितनी भी मुश्किलात हैं वो अपनी रहमत से, अपने करीम होने के नाते आपको उससे महफूज फरमाए। इस हवाले से 900 ग्राम दाल मसूर का सदका देना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, और दुआए रदे नुसरत सहरगान को 9 मरतबा रोज़ाना पढ़ना अपना मामूल रख लीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन ज़रूर पुश कर लीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पुराने हैं, हमारी फैमिली का पार्ट हैं, आप ओल्ड फैमिली का, तो चैनल को दूसरे दोस्त अहबाब फैमिलीज के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।
हमारा अगला जोडिक साइन विर्गो यानी कि बुर्ज शिमला। ऐसे तमाम अफराद जो कि 24 अगस्त से लेके 24 सितंबर के दरमियान पैदा होते हैं ये विर्गो में आते हैं। और अगर आपको अपना कन्फर्म डेट ऑफ बर्थ पता नहीं और नाम के पहले रूप में पे और रैन से शुरू होते हैं तो आप भी बुर्ज शिमला में होते हैं। आपका आतम से यार बकरी है और दिन आपसे बुध मनसूब है, अदद जो है वो 5 है। आपका जवाहरात में आपके लिए सबसे बेस्ट जो है फिरोजा, जरकुकराट, जमुर्रद और जर अकीक भी आपके लिए पहनना अच्छा है। इसी वजह से हमने एक नया शॉपिंग कार्ड जो है वो आपके लिए लॉन्च किया है जो कि www.javajax.com के नाम से आप यूट्यूब पे आप जो है वो गूगल सर्च में देख सकेंगे। ये शॉपिंग कार्ड इंशाल्लाह 15 रमजान मुबारक से आपके लिए विजिबल हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो आप इसको जरूर विजिट कीजिएगा। आप अपनी पसंद के नमूने देख भी सकेंगे और उनकी प्राइसेस और बाकी चीज़ें भी इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। ऑनलाइन आप परचेज कर सकेंगे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आइएगा, इंशाल्लाह आपको क्वालिटी जेम्स मिलेंगे और बेहतरीन जेम स्टोन जो मिलेंगे। मुझे पता है ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें जो है वो ख़राब भी मिलती हैं, लेकिन इंशाल्लाह जो पहले हमारे क्लाइंट्स हैं क्योंकि मैं तो 2008 से जेम स्टोन्स को डील कर रहा हूँ वो उनको जानते हैं और उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी जो नए हैं उनके लिए भी इंशाल्लाह रिव्यूज़ में आपको जो है मिलेगा कि आपको अच्छा स्टोन जो है वो खरीदने को और देखने को मिलेगा। आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा 1925 में, ये आपके लिए एक मिला जुला हफ्ता है। कुछ चीज़ें जो पिछली में हफ्तगी थी यानी आपका चौथे और सातवें घर का हाकिम यानी खान की मामला, आपकी प्रॉपर्टी सवारी से मुतल और जवाबी शर्त की मामला से मुतल हाकिम से मुफ्ती भोरी रिजत में मैं आपको बता चुका। पाँचवें छठे का हाकिम जोहल गोभी रिजत में आपकी मंगनी, आपकी औलाद, आपके बच्चे, आपकी एजुकेशन स्केल 12 से 14 के दरमियान की, आपकी सेहत, आपकी जॉब, आपके मुलाजमत, ये तमाम सेक्टर पहले की तरह आपके लिए टाइड है। कदर कुछ बेहतर पोजिशन जो है वो आपको इंशाल्लाह 20 तारीख पीर वाले दिन मिलेगी और उसके बाद 25 तारीख हफ्ते वाले दिन आपको कुछ बेहतर सिचुएशन इंशाल्लाह देखने को मिल जाएगी। और ये तमाम वही चीज़ें तब्दीली इस हफ्ते में क्या अहम चीज़ आपके जायचे के नामी घर में जोहरा के मौजूद है। जोहरा जो कि आपके खाने माल का हाकिम से तस्लीस की नज़र से आपके ताले को देख रहा है, आपकी सूझबूझ में आपके कुत फैसला में इजाफा कर रहा है, माली हवाले से आप बेहतर फैसला करने की पोजिशन में होंगे और आपकी माली हवाले से जो है वो आपकी जो तंगी थी उसको दूर कर रहा है परवरदिगार के फजल से। इसके अलावा बैरूनी मुल्क सफ़र की आपकी राय बार कर रहा है और आपकी सोसाइटी वगैरह के साथ तल्लुक जो है उसको बेहतर कर रहा है। एन मुमकिन है कि आप ज़ियारत मुकद्दसा या उम्र की सआदत हासिल करने के लिए जो है वो रवानगी की तैयारी करें। और ये रमज़ान मुबारक का महीना है, अक्सर लोग इसमें ख्वाहिशमंद होते हैं कि हमें जो है वो रोज़ा रसूल की सआदत मिल जाए, मक्का खाना खुदा की सआदत मिल जाए, ज़ियारत मुकद्दसा पे हम जो है वो जा सकें, तो इंशाल्लाह उन कुछ नसीबों में आप भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा एजुकेशन, अगर आप बेसिक एजुकेशन ले रहे हैं तो फिर तो आपके लिए प्रॉब्लम है यानी स्केल 12 तक की, लेकिन अगर आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन पोजिशन जो है वो बनती नज़र आ रही है। आपके नज़दीकी सफ़र, आपकी एजुकेशन मैं बता चुका, आपके रिज़्यूम, आपकी सोशल एक्टिविटीज़, आपके दोस्त अहबाब और आपके विरासती और शादी वाली मामला, ये तमाम चीज़ें से या मरीज़ की नेगेटिव होने की वजह से जो है वो अच्छी पोजीशन में नहीं है। नज़दीकी सफ़र से पहले और अपने सामाजिक तल्लुक को बचाने के लिए आपके लिए ज़रूरी होगा कि मंगलवार के 200 ग्राम दाल या सूर्या मुंगी की कलेजी का सरकर लेना अपना मामूल बना लें, तो ये इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही एक ज़बरदस्त चीज़ हो सकती है। अदरवाइज़ ये कुछ आपकी खुशबती की तनसीख का बायस बन सकता है और बहन भाई इज़्ज़ुकारों के साथ तल्लुक ना चाहते हुए भी आपके कशीदा कर सकता है। आपके आपका कैरियर रोज़गार से मुतल से यार बहुत अच्छी पोजिशन में है और नामे घर में मौजूद है। अगर आप अपने कैरियर रोज़गार के हवाले से बिरूनी मुल्क सफ़र इख्तियार करना चाहते हैं तो उसके लिए एक आइडियल टाइम है, आपको बेहतर फैसले करने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान से बाहर अगर आपके कोई तल्लुकात हैं कारोबारी मामला के हवाले से तो भी आपकी पोजीशन बेहतर बनती नज़र आ रही है। इंशाल्लाह आप एक मजबूत पोजीशन पर जाते नज़र आ रहे हो। आपके तल्लुकात अपनी मदर इन लॉ के साथ,
अपनी सुसान फैमिली के साथ भी बेहतर होते नजर आ रहे हैं। ये एक अच्छी पोजिशन आपकी जो है इंशाल्लाह बन रही है। इसके अलावा अगर आप इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं या बैरून मुल्क क्याम करते हुए अपनी सवारी या जगह की तब्दीली इख्तियार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके लिए एक बेहतरीन वक्त है। मजमूई तौर पर ये आपके लिए मिला जुला हफ्ता है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इंफॉर्म करता मालूम के तहत इसको मज़ीद अपने लिए बेहतर बना सकेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन जरूर पुश कर लीजिएगा, और अगर आप पुराने हैं तो इस वीडियो को दोस्त अहबाब के साथ फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर लीजिए। ऐसे तमाम अफराद जो कि 24 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर के दरमियान पैदा होते हैं, ऐसे तमाम अफराद बुझ मीज़ान कहते हैं। या अगर आपको किसी भी वजह से अपनी कन्फर्म डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है और आपके नाम के जो पहले रूफ हैं वो रे ते तो से शुरू होते हैं तो आप भी बुझे मीज़ान को ही सुनेंगे और पढ़ेंगे। आपका रूलिंग प्लैनेट जोहरा है और दिन जो है वो जुमा आपसे मंसूब है। अदद जो है वो 6 आपके लिए लकी है। जवाहरात में आपके लिए ऊपर पहनना बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके अलावा आपके लिए ब्लू टोपाज वो बहुत अच्छा रहेगा, वाइट सफ़ायर अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके अलावा आप जो है वो नीलम भी जो है वो वेयर करें तो वो भी आपके कुछ मामला के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त साबित होता है। जब सोन की खरीदारी के हवाले से हमारा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग कॉड हम जो है आपको ये इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं 15 रमजान मुबारक के मुबारक दिन से। इंशाल्लाह ये आपके लिए विजिबल होगा। www.javachems.com लिख के आप गूगल पे अगर सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह आप हमारे वेबसाइट पे जा सकेंगे। वहाँ पे आपके लिए ये तमाम जेमस्टोन जो मैंने आपको बताए ये आपके लिए वहाँ पर मौजूद होंगे, आप ऑनलाइन खरीदारी कर सकेंगे। कुछ चीज़ें सिर्फ तब्दील हुई हैं आपकी। पिछले हफ्ते अगर आपने मेरी वीडियो सुनी थी तो मैंने आपको बताया था सैयारा जोहरा तब्दील होने जा रहा है, मरीख अपनी जगह तब्दील कर रहा है, जोहल और मुश्तरी स्टिल रेट्रोग्रेड और आपकी अपनी जगह पे मौजूद हैं। सबसे पहले सबसे अहम आपका अपनी पर्सनैलिटी ट्रेड्स का मुतलका सैयारा जो कि भूपाल में था, अब आपका जाहिर चुके 8वें घर में गया है लेकिन अलग फर्म है। 8वां घर जहाँ पे कुछ नुकसान का बायस बनता है वहाँ पर कुछ फवायद का बायस भी बनता है। आप कदरे अभी भी जहनी दबाव का शिकार होंगे लेकिन दूसरी तरफ मैं कहूँगा कि आपके विरासती मामला तो शाती माली मामला जो है उसमें बेहतरी आ गई और इस वाले से आप एक अच्छी पोजीशन में इंशाल्लाह चले जाएंगे। जो माली तंगी आपकी पिछली चल रही थी और आप इस वाले से परेशान थे वो कदरे ख़त्म होती नजर आ रही है। लेकिन खाना माल का हाकिम आपके जायचे के 10वें मौजूद है जो कि आपके शराती अजदवाजी मामला का भी हाकिम है। स्पेशली अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो फिर आपको बहुत मुताद रहना होगा, आपके अखराजात में तेजी और खुदा ना खास्ता आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आपकी शागदारियाँ जो है वो खत्म हो सकती हैं और इस वक्त आपको अपने कैरियर रोजगार के हवाले से किसी भी नए फैसले से कतई तौर पर गुरेज करना है। इसके साथ साथ मरीज की यहाँ पर मौजूदगी आपकी मदर लॉ के साथ आपके तल्लुकात को कशीदा कर सकती है, इंतहाई कशीदा कर सकती है। इसी तरह आपके फ्यूंसी के साथ भी आपके तल्लुका जो है वो कशीदा हो सकते हैं। आपको मामला को संभालना है अदरवाइज ये मामला सेपरेशन की तरफ अब जाना स्टार्ट हो जाएंगे। अगले दिनों में जैसे जैसे मरीज अपनी डिग्रीज मैच्योर करेगा तो आपके लिए प्रॉब्लम्स ये बढ़ा देगा, आपको बहुत ही मोहतात होकर अपने मामला को लेकर चलना है। बहुत अहम आपका सैयारा जोहरा था मरीज, ये आपकी लक में अभी भी जो है वो कदरे उस तरह से दोस्त आपके हेल्प नहीं कर पा रहे जिस तरह से वो पहले करते थे, तो आपको मोहतात रहना है। इसी तरह इमिग्रेशन और बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से और सोशली जुकाम के हवाले से भी आपकी पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। 8वें घर में मरकरी मौजूद है, मामला आगे चल रहे हैं बढ़ रहे हैं लेकिन अभी आप इसके बारे में परेशान हैं। इंशाल्लाह अगले दिनों में इसके आपके लिए इंशाल्लाह बेहतरी की उम्मीद मत रखो। लिब्राज के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा नहीं था मैंने जो मुझे नज़र आया। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, कुछ लोग बहुत डेस्परेट होते हैं और हर वीडियो वो देखते भी हैं सुनते भी हैं, सियादत की पोजीशन उनको बताई भी जाती है,
इसके बावजूद वो जो मैंने एनालाइज किया है वो ये है कि वो सुनना नहीं चाहते कि भी कुछ गलत हो रहा है। देखिए, आंखें बंद करने से बिल्ली नहीं चाहेगी आपको। आप एबल हैं, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के मालिक हैं, आपको चीज़ों की आंखों में आंखें डाल के उसका मुकाबला करना पड़ेगा। कोई इतनी बड़ी बात नहीं आपके लिए, आप तो लोगों की हेल्प करने के काबिल होते हैं। आप अपनी मदद भी खुद कीजिए। अगर कोई बताया जाता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो सिर्फ उससे बचने की कोशिश कीजिए। परवरदिगार मुसब्बब अस्बाब है, वो हर जगह कोई ना कोई सबब ऐसा जो है वो पैदा कर देता है जिससे आप निकल सकें। दुआएं हैं। इसमें आज़म हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह लाइव, बड़ी जल्दी आपके लिए प्रोग्राम स्टार्ट होगा और इसके लिए टाइम आपने एडजस्ट करना है। मैंने बहुत सारे लोगों को कहा, अपनी वीडियो के स्टार्ट में भी मैंने कहा कि हमने इसको लाइव को भी प्लान करना है कि आपका इसमें आज़म हम आपको बताएंगे, आप अपना नाम बताएंगे, आपके आदाद और आपके लिए माफिक इसमें आज़म को कितनी मरतबा पढ़ना है आपने, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। लेकिन मैं इसको ये देख रहा हूँ कि आप रमज़ान मुबारक है, आप लोगों के लिए कौन सा ऐसा टाइम है जो कि आपको सूट करता हो, तो ये आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएँ ताकि हम आपको बता सकें कि आपका ये बेहतरीन टाइम जो है वो हम सेलेक्ट करें और उसी टाइम पर आपको जो है ऑनलाइन उनके चीज़ें बताई जा सकें। मजबूती तौर पे ये आपके लिए एक मिला जुला हफ्ता है, आपको एहतियात और मुहतारमी से इसको गुजारना होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन जरूर पुश कर लीजिएगा और दोस्तों अहबाब के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। हमारा अगला जोडिक साइन स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अक्रब। ऐसे तमाम अफराद जो कि 23 अक्टूबर से लेकर 24 नवंबर के दरमियान पैदा होते हैं ये स्कॉर्पियंस होते हैं, और ऐसे तमाम अफराद जिनको कि अपनी कंफर्म डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है और नाम के पहले जो रूफ हैं वो नून, जाल, जवाद या जोएं से शुरू होते हैं, तो ऐसे तमाम अफराद भी बुर्ज अक्रब में आते हैं। आपका जो दिन है वो मंगल है और अदद 9 आपसे मंसूब है, हाकिम सैयारा मरीख है और माफिक पत्थरों में सबसे बेस्ट आपके लिए कॉरल यानी कि मरजान। रेड अगेट पहनना आपके लिए ज़बरदस्त फ़वाद का हामिल होता है। इसके अलावा आप गार्नेट पहन सकते हैं, आप रूबी पहन सकते हैं, आप रेड अगेट यानी कि सुर्ख अकीक पहन सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का सुर्ख अकीक लीजिए, अकीक तो ये भी आपके लिए बेहतरीन है। जेम स्टोन्स के हवाले से मैं बड़े अच्छे से आपको कह रहा था कि खुशखबरी इंशाल्लाह बड़ी जल्द आपको दूंगा, वो गुड न्यूज़ अब इंशाल्लाह उसका मौका आ गया। 15 रमज़ान मुबारक के मुबारक तरीन दिन में जबकि सरकारे दो आलम के घर में एक बहुत बड़ी खुशी का नज़ूल है, तो उसी दिन इंशाल्लाह हम अपने ऑनलाइन शॉपिंग कार्ड का जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, उसकी ओपनिंग हो रही है और उस ओपनिंग की खुशी में बहुत सारी सेल्स भी वहीं पे मौजूद हैं। आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा www.javajems.com के नाम से, और इसी तरह जावा जेम्स के नाम से हमारा पेज भी मौजूद है यूट्यूब पर, वो भी आप विज़िट कर सकते हैं। जेम स्टोन के हवाले से किसी भी किस्म की इंक्वायरी वो भी आप उसी वेबसाइट के थ्रू अब आसानी जो है वो कर सकेंगे। आपका 19 से 25 मई ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा, तो ये आपके लिए कुछ मिला जुला है। कुछ चीज़ें पिछले हफ्ते की जो है वो चल रही हैं, जो तब्दीली अहम तब्दीली है वो है सैयारा जोहरा। सैयारा जोहरा जो कि आपके जायचे के सातवें हिस्से में आया है, तो आपकी शादी से मुतलक जो रुकावटें थी उनको दूर कर रहा है और आपकी शादी तय पाने के कभी इम्कान जो हैं वो अब मौजूद होंगे। इसी तरह कारोबारी वाले से कुछ अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि 10वें का हाकिम भी आपके 7वें घर में मौजूद है, तो यहाँ पे आपको कारोबारी वाले से शाकतदारी और इंडिपेंडेंट दोनों जो हैं वो मामला आपके बेहतर हो रहे हैं और इंशाल्लाह परवरदिगार आपके लिए आसानियाँ पैदा कर रहा है। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको खैर बरकत भी अता फरमाए। बाकी सैयारगान में जैसे कि मैंने बताया था, मुश्तरी आपका रिजत में है जो कि आपके दूसरे और पाँचवें घर का हाकिम है। दूसरे घर का रिजत में होना मुश्तरी का जो है वो आपके खर्चात में तेज़ी भी लाएगा और सोर्स ऑफ फंडिंग को कदरे स्लो कर देगा, यानी इनकमिंग स्लो हो जाएगी, आउटगोइंग जो है वो ज़्यादा है, तो आपको मोहतात रहना है। इसी तरह आपके लव अफेयर्स, आपकी मंगनी तय पाने के इम्कान कम हो जाएंगे। फ्यूंसी के साथ आपके कदरे जो है वो गैप जो है वो बनता नज़र आ रहा है। बच्चों के हवाले से आपको कुछ इजाफी अखराजात इस महीने भी जो है वो करने पड़ेंगे, स्पेशली 20 तारीख पीर वाला दिन आपके अखराजात में कुछ तेज़ी का दिन है और 25 हफ्ता एक अच्छी नज़र बनेगी मुश्तरी के साथ, जो कि आपके लिए एक अर्निंग का बेहतर सिलसिला जो है वो बनाएगी और आपका जो हाथ जो टाइट चल रहा है
उसको बेहतर करने में आपकी मददगार होगी। आपकी सोशल एक्टिविटीज़, आपके बहन भाई इज़्ज़ो का रब, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी सवारी, आपकी जगह, आपका घर, आपका माहौल, ये भी ज़्यादा जोहल जो है वो रिजत में है जैसे मैंने बताया था। तो ये हालात बिल्कुल एग्जैक्टली वही पिछले हफ्ते वाले ही चलते हुए नज़र आ रहे हैं। अहम तरीन चीज़, आपकी छठे घर का हाकिम सैयारा, जो कि आपके ताले का, आपकी अपनी पर्सनल डिटेल्स का हाकिम भी है, ये अब पहले वबाल में था, आपके जायचे के आठवें ख़तरनाक तरीन जगह पे मौजूद था, अब ये हबूत में गया है। गो के हबूत की कैफियत उससे भी बुरी है, लेकिन जो इसकी प्लेसमेंट आठवें घर से निकल जाना है वो एक गुड चीज़ है। आठवां घर किसी भी जायचे का इंतहाई ख़तरनाक होता है, इसको हम मौत का घर भी कहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा हुआ कि यहाँ से जो है वो गुज़र चुका है ये अब, और आपके लिए एक जो ख़तरे की घंटी बज रही थी वो अलार्म अब बजना बंद हो गया। लेकिन आपको अभी भी अपनी सेहत का ख्याल करना है, जॉब छोड़ने की गलती मत कीजिएगा, स्पेशली वो लोग जो कि बैरून मुल्क हैं और या बैरून मुल्क अप्लाई कर चुके हैं, उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ सकता है, उनको जॉब जाने का ख़तरा जो है उनके लिए बढ़ जाएगा। अपनी सेहत का बहुत ख्याल कीजिएगा, स्पेशली ब्लड से रिलेटेड या ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जो आपके मामला हैं उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। सुसाली जोकरब के साथ आपके तल्लुकात कशीदा कर रहा है, आपके बैरून मुल्क सफ़र में रुकावट खड़ी कर रहा है, आपको बेहतर फैसले करने हैं, एग्रेशन से ख़ुद को बचाना है, वरना अगले दिनों में ये दो सिलसिला 2 जुलाई तक चलेगा। तो 2 जुलाई तक आपको ये आपकी पर्सनैलिटी ट्रेड्स के लिए जो है ना एक वार्निंग की सिचुएशन है, गुस्से से ख़ुद को दूर रखिए और फौरी रिएक्ट करने से गुरेज कीजिएगा। आपके दोस्त अहबाब, आपके लक ये इस वक्त भी बड़ी अच्छी पोजीशन में है, इस सारी कशीदा सूरत हाल के बावजूद परवरदिगार ने आपके लिए आसानी के रास्ते जो रखे हैं उसमें ये सब चीज़ें मौजूद हैं। आपके दोस्त आपकी भरपूर मावनत कर रहे हैं, एन मुमकिन है किसी दोस्त की तरफ से ही आपको जो है वो शराकतदारी की ऑफ़र भी हो, तो इस सरमायाकारी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहिए और बेहतर फैसले करने की पोजीशन में आप मौजूद हैं, सिर्फ जल्दबाजी से आपको गुरेज करना है। इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए एक बेहतरीन मौका है, स्पेशली वो लोग जो स्पाउस वीज़े पे इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए एक बेहतरीन वक्त है, आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बैरून मुल्क मुकीम हैं, सवारी या जगह की तब्दीली के ख्वाहिशमंद हैं, या घर में कोई रेनोवेशन के आप ख्वाहिशमंद हैं, तो उसके लिए माहौल इंतहाई साजगार हो गया। इस हवाले से 22 तारीख आपके लिए एक बेहतरीन दिन जो है वो इंशाल्लाह साबित होगा। मजमूई तौर पर देखूँ तो ये आपके लिए एक मिला जुला हफ्ता है, कुछ चीज़ें बेहतर हैं, कुछ मोहतात रवि की अभी भी मुतकाजी हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन मालूमात की रोशनी में बेहतर फैसले करने की पोजीशन में होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन ज़रूर पुश कर लीजिएगा, और अगर आप हमारे पुराने व्यूवरशिप में हैं तो इस वीडियो को, इन इंफॉर्मेशन को दोस्त अहबाब फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारा अगला जॉर्डिक सेगिटेरियस यानी कि बुर्ज कॉस, ऐसे तमाम अफराद जो कि 24 नवंबर से लेके 24 दिसंबर के दरमियान पैदा होते हैं, ऐसे तमाम अफराद सेगिटेरियस में आते हैं, या वो अफराद जिनको अपनी कंफर्म डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है और कैपिटल वर्ड एफ है उनके नाम का यानी फे, तो वो भी बुर्ज कॉस में आते हैं। आपका हाकिम सैयारा मुश्तरी है और अदद आपसे 3 मनसूबे, दिन जुमेरात जो है वो आपके लिए लकी है। जवाहरात में आपके लिए सबसे बेहतरीन जो है वो येलो सफ़ायर यानी कि जर्द पुखराज है, और उसके बाद फिरोज़ा है, जमुर्रद है, जर्द अकीक है, ये तमाम पत्थर जो हैं वो आपके लिए इंतहाई सूदमंद साबित होंगे। जवाहरात के हवाले से हमारे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आती थी और कई बार तो मेरे जो असिस्टेंट हैं वो थक जाते थे कि इतनी रिप्लाइज देना और ये हमारे लिए मुमकिन नहीं, तो आपकी इस मुश्किल को मद्देनज़र रखते हुए और अपनी मुश्किल भी आसान करते हुए हमने आपके लिए ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट जो है वो लॉन्च करने का फ़ैसला किया, जो कि 15 रमज़ान मुबारक से एक इंतहाई मुबारक दिन में आपके लिए हम लॉन्च कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आप ऑनलाइन जो है अपने लिए जेमस्टोन का इंतखाब कर सकेंगे और घर बैठे आपके लिए एक पूरी यकीन के साथ रियल स्टोन आप परचेज़ कर सकेंगे। आपका ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा? पिछले हफ्ते की तरह कुछ मिली जुली सूरत हाल और कुछ नई तब्दीलियाँ, मैं आपको सिर्फ नई तब्दीलियों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि पिछले हफ्ते भी आप जो सुन चुके हैं वही चीज़ें
आपकी पर्सनालिटी के हवाले से, आपकी फाइनेंस के हवाले से, आपकी सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से, आपके घर, आपकी प्रॉपर्टी, उसके हवाले से, ये तमाम सेक्टर आपका बेहतर नहीं है। जो बहुत अहम चीज़ है, दो तब्दीलियाँ हैं, एक ज़ोरा की तब्दीली और एक मरीख की तब्दीली। मरीख आपके जायचे के आठवें और अहम तरीन और ख़तरनाक तरीन घर में जा चुका है। आठवां घर इल्मे नजूम की रूह से मौत और खौफ का घर है। ज़हन में रखिएगा, ये बता के आपको डराना मकसूद नहीं, बल्कि मकसूद ये है कि आप कदर मोहतात हो जाएं। 900 ग्राम दाल मसूर का सदका देना हर मंगल को अपने लिए वाजिब करार कर लीजिए। ये 2 जुलाई तक यहीं पे रहेगा। मुश्किल सूरत यह है कि यहीं पे राहु मौजूद है और बिल्कुल मुकाबले पर जो है वो जोहल मौजूद है। ये तमाम सूरत हाल सेगिटेरियस वालों के लिए कतई तौर पर मुनाफिक नहीं होगी। मैं बिल्कुल स्ट्रांगली आपको रिकमेंड करूँगा ये सदका ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक दुआए रेदे नुसरत सारगन पढ़ना शुरू नहीं की तो उसको 9 मरतबा सुबह और 9 मरतबा शाम पढ़ना अपना मामूल बना लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। मरीख जो कि आपके 5वें घर का हाकिम है, 8वें में है, ये आपके 12वें घर का भी हाकिम है। अब मैं कुछ चीज़ें मिला के आपको बताने लगा। आपकी मंगनी तय पाने के इम्कान बहुत कम है, बल्कि जो पहले से आपकी मंगनी तय है वो आपके लिए कुछ दर्द सर बनती नज़र आ रही है और ये इसके टूटने के इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बच्चों की वजह से आप ज़हनी दबाव का शिकार हो सकते हैं। अगर कोई खातून है आप, प्रेगनेंसी है, तो फिर आपको प्रॉपर तरीके से डॉक्टर को चेक करवाना पड़ेगा क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी अब ख़तरे में होगी। किसी किस्म की भी डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मोहतात रहने की ज़रूरत है। डॉक्टर को दिखाइए, प्रॉपर चेक करवाइए, सदका दीजिए, दुआ पढ़िए, आप परवरदिगार की इंशाल्लाह अमान में होंगे। मैं अक्सर कहता हूँ कि फर्स्ट कैटेगरी की रेमेडी जो है वो दुआ है, कुछ विर्द वज़ाइफ़ हैं। सेकेंड कैटेगरी वो सदकात हैं। थर्ड कैटेगरी आपके जम स्टोन है, जम थेरेपी है। तो पहली दो कैटेगरी को तो लाजमी अपने लिए करार दे लीजिए और तीसरी रेमेडी अगर आप अफोर्ड करती हैं तो ज़रूर कीजिए ताकि आपका ये चिल्ड्रन वाला मामला जो है ये सिक्योर जोन में जा सके। आपके लिए छठे घर में जोहरा आया है जो कि आपकी जॉब और आपकी लक के लिए बहुत ही अहम चीज़ है। आपको नई जॉब मिलने की उम्मीद है। इस हवाले से दोस्त अहबाब आपके लिए भरपूर तावन जो है वो करते नज़र आ रहे हैं और बेहतरीन सिचुएशन जो है वो बनती नज़र आ रही है। इसी तरह आपकी सेहत जो कि पहले नेगेटिव चल रही थी अब इंशाल्लाह वो भी पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी। आपको एम्प्लॉयज़ की तरफ से जो है वो बेहतरी मिलेगी, लेकिन यहीं पर साथ साथ कुछ आपकी मुखालफतें भी जो हैं वो बढ़ती नज़र आ रही हैं, आपको इस पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। आपके शराकती अज़वाजी ताल्लुकात अच्छी पोजीशन में जा रहे हैं और पहले से भी ज़्यादा बेहतर पोजीशन में जा रहे हैं। अगले हफ्तों में इंशाल्लाह ये मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। कैरियर रोज़गार के हवाले से आपको एक बेहतर जॉब मिलने की उम्मीद है जो कि आपके कैरियर के हवाले से संगे मील साबित हो सकती है। ये एक बेहतरीन वक्त है और आपका जो सीनियर है वो जो आपकी मुखालफत पे आमादा था अब वो आहिस्ता 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 बेहतर होना शुरू होगा इंशाल्लाह। अगले दिनों में जब मरकरी ट्रांसलेट करके आपके 7वें में आएगा तो मज़ीद बेहतर हो जाएगा ये इंशाल्लाह। अभी भी हालात बेहतरी की तरफ चल पड़े हैं। दोस्त अहबाब आपकी जो है वो भरपूर तावन करते आपसे नज़र आ रहे हैं और आपकी लक जो है वो अब आपका साथ पूरा पूरा दे रही है। इमिग्रेशन और जगह की तब्दीली के हवाले से कतई तौर पे वक्त मुवाफिक नहीं होगा, ऐसी किसी भी चीज़ से आपको गुरेज करना होगा। मजमूई तौर पे ये आपके लिए एक एहतियात तलब हफ्ता है, ख़ास तौर पे जो 23 तारीख और 21 तारीख, 21 और 23 तारीख ये दो तारीखें आपको बहुत ही एहतियात के साथ गुजारनी है। उम्मीद करता हूँ परवरदिगार की मेहरबानी से जो मालूमात मैंने आपको दी हैं ये आपके लिए फ्रूटफुल साबित होंगी और दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आपको अपनी अमान में रखे। कुछ भी गलत है तो वो कादर मुतलक वो रहीम व करीम आपको पे अपना फ़ज़ल करे और आप महफूज व मामून रहें। आप हमारी फैमिली का पार्ट हैं और हर बंदा अपनी फैमिली के लिए दुआ गोता है। आपसे भी ढेरों दुआओं का तालिब हूँ। अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन ज़रूर पुश कर लीजिएगा, ये वीडियो दोस्त साहब आपके साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि कोई भी सेगिटेरियस है और इस नाजुक सूरत हाल में वो अगर एंटर हो रहा है तो वो भी आपके तावुन से और परवरदिगार के फजल से जो है वो महफूज रह सके। हमारा अगला ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी, इस वक्त आपका सैटर्न जो है वो असेंडेंट में रेट्रोग्रेड है, तो ये आपके लिए कुछ अच्छी पोजीशन नहीं है।
अपनी ईगो को थोड़ा साइड पे कीजिए, वरना ये आपकी पर्सनालिटी ट्रेड्स को डाउन करेगी। इसी तरह आपके खर्चात में भी तेज़ी है एज़ यूजुअल, जैसे कि मैंने पिछले हफ्ते बताया था। तो आपको इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है। और देखिए, कुदरत का ये निज़ाम है, अच्छा बुरा हर तरह के हालात आते हैं। तो ये सैटर्न की रेट्रोग्रेशन जो है वो आपको मोरल को थोड़ा सा डाउन ज़रूर कर रही है, लेकिन ये आपके लिए एक वक्त है जो आपको बताएगा कि कौन आपके साथ अच्छा है और कौन बुरा है और किन हालात में आपको किस तरह सर्वाइव करना है। ये बहुत अहम है, इससे सीखिए कि अगर हालात ऐसे आ जाएं तो आपको सर्वाइव कैसे करना है। परवरदिगार की तरफ से ये आपके लिए एक लेसन का टाइम स्टार्ट हुआ है। आपके तीसरे घर का हाकिम, समाजी ताल्लुकात का हाकिम सैयारा जायचक के बारे में मौजूद है, बहुत अच्छी पोजीशन है। पिछले हफ्ते भी मैंने बताया था, बहन भाई अजीज़ कारब की तरफ से ही कुछ लेग पुलिंग्स का सिलसिला जारी है अभी भी, और इस हवाले से जो एक ख़ास वक्त है वो 20 तारीख और 25 तारीख, यानी कि पीर और हफ्ता, दोनों दिन आपको मुहतात रहना है। गो कि उनको पूरी तरह कामयाबी नहीं हो रही, इसके बावजूद आपको मुहतात रहना है और अपनी सोशल एक्टिविटीज़ को बैलेंस रखने के लिए आपको कुछ बेहतर फैसले करने होंगे। आपके चौथे घर का हाकिम सैयारा, ये तब्दीलियां हैं जो इस हफ़्ते की। आपके चौथे घर का हाकिम सैयारा जो कि आपके 11वें का भी है, ये आपके जायचे के 7वें नेगेटिव हुआ है। घर की तब्दीली और जगह की तब्दीली के हवाले से, घर के माहौल के हवाले से, सवारी की तब्दीली के हवाले से ये वक्त बेहतर नहीं होगा। आपकी ख्वाहिशात को अब आपको जो है वो कुछ थोड़ा सा रिड्यूस करना होगा। दोस्त अहबाब भी अब आपकी उतनी हेल्प नहीं कर पा रहे होंगे जितनी कि वो करते थे, क्योंकि सैयारा ही जो है वो नेगेटिव हुआ पड़ा है। और इस वक्त दोस्त साहब आपको जो है वो इम्तहान में डालना भी बेहतर नहीं होगा, क्योंकि नज़र आ रहा है कि मामला बेहतर नहीं है। 21 तारीख कमर मुकाबला मरीख, ये एक अच्छी जगह वक्त जो है वो नहीं होगा इस वक्त में, चूँकि सैयारा मरीख जो है आपके जायचे के 7वें मौजूद है। तो ये मुकाबला जो है आपके फ्यूंसी के साथ, यानी आपकी मिसेज के साथ, आपके हस्बैंड के साथ आपके तल्लुकात को कशीदा कर सकता है। मोहतात रहिए, कशीदगी बहुत अरूज पे होगी, खुदा न खास्ता मामला तो जो है वो ज़्यादा तलख होने की सूरत में अलहदगी की तरफ बात जो है वो चलना स्टार्ट हो जाएगी। अब आपका फैंसी जो है, आपका जो हस्बैंड है, आपके जो वाइफ है, उनके मिजाज में कुछ तेज़ी और ज़िद का आंसर तो आप पिछले भी काफ़ी टाइम से उनके अंदर देख रहे हैं कि एक ज़िद और अखड़पन का आंसर है, अब मिजाज में तेज़ी भी आ जाएगी। तो आपको लाजमी इन चीज़ों को बर्दाश्त करना है, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आपकी मंगनी तय पाने के कवी इम्कान मौजूद हैं, बच्चों के हवाले से एक कंफर्ट जोन में आप जाते नज़र आ रहे हैं, जो थोड़ी सी परेशानी थी वो भी अब ख़त्म होती नज़र आ रही है। आपके लव अफेयर्स भी टॉप पे जा रहे हैं, और लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये भी कहूँगा कि अपने लव अफेयर्स को लिमिट में कीजिए, क्योंकि ये कुछ रूटीन से हट के जो है ना अब बढ़ते नज़र आ रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि मुस्तकबिल करीब में ये आपके लिए प्रॉब्लम का बायस बने। खुद को लिमिट्स में रखना बेहतर होगा। अपने फ्यूंसी के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं स्केल 12 से 14 के दरमियान, तो भी आपके लिए बेहतरीन वक्त है। अगर आप इनामी स्कीमों में हिस्सा लेते हैं किसी भी वाले से, तो इस वक्त इनामी बॉन्ड निकलने का आपका कभी इम्कान मौजूद हैं। अगर आपने कोई ऐसा काम नहीं किया अभी तक, तो इनामी बॉन्ड ज़रूर ले लीजिएगा। आपकी सेहत, आपकी जॉब, इससे मुतल्लिक़ सियारा भी अच्छी पोजीशन में है। आप अपनी सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए एक से ज़्यादा काम करने के बारे में सोच रहे हैं, जो कि आपके लिए अभी तो खैर माफिक नहीं होगा, लेकिन अगले दिनों में इंशाल्लाह इसके हवाले से भी मूवमेंट्स जो हैं वो बनती नज़र आ रही हैं। आपके विरासती मामलात, आपके शाक्ति माली मामलात, ये भी अच्छी पोजीशन में, और इंशाल्लाह इस हवाले से मामलात कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही, आपके मामलात बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। लेकिन शरीक कार और शरीक हयात दोनों के साथ आपके तल्लुकात कशीदगी की तरफ माइल हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका। बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से सोशलिज़म का अरब के साथ तल्लुकात, स्पिरिचुअलिज़म, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह स्पिरिचुअलिज़म के हवाले से। इसको लर्न कीजिए, इसको थोड़ा तहमुल से और सोच समझ के इसको जो है वो प्रिजर्व कीजिए। ये चीज़ें जो अब आपके पास आ रही हैं ये बहुत अहम हैं। इसके अलावा आपका जो रुझान है वो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ बढ़ रहा है, और ज़ियारत मुकद्दसा या उम्रा की सआदत के लिए अगर आप ख्वाहिश रखते हैं तो इंशाल्लाह परवरदिगार की तरफ से मुआवनत आपको मिलेगी। बहुत अहम आपका कैरियर रोज़गार, उसके हवाले से एक कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आती नज़र आ रही हैं। सैयारा ज़ोहरा जो कि आपके जायचे के 5वें आया है, ये आपकी मदर इन लॉ के साथ भी आपके तल्लुकात बेहतर करेगा, और
आपके फादर के साथ आपके तल्लुकात बेहतर करेगा सियारा जोहरा परवरदिगार के हुक्म से, और आपके लिए नए जो कैरियर के हवाले से जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ उसको वाह करेगा। इसको फोकस कीजिएगा, ये एक अच्छा वक्त है। इमिग्रेशन और बैरून मुल्क क़याम करते हुए जगह की तब्दीली के हवाले से ये कोई अच्छा वक्त नहीं है। ये मैं पिछले हफ्ते भी आपको गोशगुजार कर चुका, इस हफ़्ते भी आपके लिए ऐसी ही सूरत हाल जो कि तो मौजूद है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन ज़रूर पुश कर लीजिएगा ताकि आपको बर वक्त जो है उसकी इंडिकेशन मिलती रहे। और हमारी वेबसाइट www.javagems.com ये विज़िट करना ना भूलिएगा। जेमस्टोन के हवाले से इंशाल्लाह बहुत सारे जेमस्टोन आपको वहाँ मिलेंगे। आपके लिए जो बेहतरीन जेमस्टोन हैं वो ब्लू सफ़ायर है यानी कि नीलम है, अकीक स्याह है, गार्नेट है और रूबी, ये आपके लिए बेहतरीन जेमस्टोन्स में शुमार होते हैं। हमारा अगला जोडिक साइन एक्वेरियस यानी कि बुज दलु और हाकिम सियार आपका जोहल है। ऐसे तमाम अफराद जो कि 20 जनवरी से लेके 19 फरवरी के दरमियान पैदा होते हैं, ऐसे तमाम अफराद बुज दलु में आते हैं, या जिनको अपने कंफर्म डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है और नाम के पहले हरूफ जो हैं वो सीन छीन स्वाद या से हैं, तो ऐसे तमाम अफराद भी बुज दलु में आते हैं। हाकिम से यह रह चुके आपका जोहल है, तो दिन हफ्ता आपसे मनसूब है और जवाहरात में आपके लिए बेहतरीन लाजवर्द है, नीलम है जो कि डार्क ब्लू कलर का होना चाहिए, और इसके अलावा आपके लिए हदीद और हेमाटाइट, ये दोनों बड़ी अच्छी ज़बरदस्त चीज़ें आपके लिए हैं। लाजवर्द मेरा पसंदीदा पत्थर है और ज़माना कदीम में ये नवादरात में शुमार किया जाता था, कुछ मुकद्दस मुकामात पे इसका इस्तेमाल जो है वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से किया जाता था। एक्वेरियस वालों के लिए बड़ा ज़बरदस्त और एक मिस्टेरिकल किस्म का जो है वो पत्थर साबित होगा इंशाल्लाह। जेमस्टोन्स के हवाले से मैं आपको कई बार जो है वो बता रहा कि कुछ गुड न्यूज़ जो है वो आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ और बहुत जल्द दूंगा इंशाल्लाह। उस गुड न्यूज़ देने का वक्त आ गया है। हमने आपके लिए ऑनलाइन एक शॉपिंग कार्ड लॉन्च करने लगे हैं जो कि 15 रमज़ान से आप जो है उसको देख सकेंगे, www.javagems.com के नाम से आप उसको सर्च कर सकेंगे। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आएगा, आप उस पर लिंक पे क्लिक करके तो आप इसको जो है वो देख सकेंगे। यहाँ पे आपको अपने जोडिक साइन के हिसाब से या किसी भी फर्द के हिसाब से आप अगर देखना चाहें तो तमाम पत्थर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, प्राइसेस भी टैग होंगी और आपको वारंटी के साथ जो है वो जेन्युइन जो स्टोन्स हैं वो इंशाल्लाह मिल सकेंगे। 19 से 25 आपका ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा? आपका ये हफ़्ता कुछ पिछले हफ्ते की बाज़गश्त है और कुछ नई चीज़ें हैं, कुछ तब्दीलियां हैं। तब्दीलियां दो से यारगन हैं, आपके एक जोहरा और एक मरीख। जोहरा जो कि आपके चौथे और नौवें घर का हाकिम है, और मरीख जो कि आपके आपके कैरियर रोज़गार आपके समाजी तल्लुकात का हाकिम से यह रहा है और जायचे के पाँचवें मौजूद है। सबसे पहले मैं आपको जोहरा के बारे में बताता हूँ। जोहरा जो है ये अब आपके जायचे के पाँचवें जो है वो आ चुका है, और इसके पाँचवें आ जाने से आपके मामलात में एक चौथे आ चुके आपके चौथे इसके आ जाने से आपके मामलात में काफ़ी बेहतरी आएगी। घर का माहौल जो कि काफ़ी टेंस चल रहा था, प्रॉब्लम चल रही थी, उस हवाले से बेहतरी आएगी। घर की तज़ीन व आराइश की तरफ आपका ध्यान जाएगा। सवारी और जगह की तब्दीली बहुत मुमकिन है कि आपका जहन बने कि अब जो है वो कुछ बेहतर सवारी, कोई कंफर्टेबल सवारी जो है वो आप अपने लिए परचेज़ कर सकेंगे। और इसी तरह वालदा के साथ आपके तल्लुकात बेहतर होंगे, ख़ानदान के अफराद के साथ बेहतर होंगे, और घर का माहौल जो है वो अब जो ख़राब था वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा ये आपके सातवें घर का हाकिम है। ससुराली ज़ुकारब के साथ आपके तल्लुकात जो कशीदा थे वो ख़त्म हो रहे हैं, और आपके जो स्पेशलाइजेशन अगर आप कर रहे हैं, एजुकेशन में मौजूद प्रॉब्लम वो ख़त्म हो रही है और अब उसमें बेहतरी आएगी। आपके बैरून मुल्क सफ़र की राहें खुल रही हैं, ऐन मुमकिन है कि आप ज़ियारत मुक़द्दसा या उम्रा की सआदत हासिल करने के लिए जो है बैरून मुल्क तशरीफ़ ले जाएँ, ये इसके बहुत ही कभी इम्कान मौजूद हैं। इसके अलावा आप घर की तज़ीन व आराइश की तरफ आपका जहन मायल होगा, और इस वक्त उसकी तज़ीन व आराइश करना और बहुत ही आपके लिए इंशाल्लाह सूदमंद साबित होगी। आपके लव अफेयर्स, आपकी मंगनी, आपके बच्चे, इससे मुतल्लिका सियारा अच्छी पोजीशन में
और ये तमाम चीज़ें आपकी जो है वो अच्छी पोजीशन में आपकी मंगनी तय पाने के कभी इम्कानात मौजूद हैं। बच्चों के हवाले से घर का माहौल अच्छा होगा और आपको कोई गुड न्यूज़ भी इंशाल्लाह औलाद के हवाले से मिल सकती है। इसके अलावा आपकी मंगनी तय पाने के भी कभी इम्कानात मौजूद हैं। आपको बहुत अहम अपनी सेहत और अपनी जॉब का बहुत ख्याल करना पड़ेगा। जॉब छोड़ने की गलती कतई तौर पर ना कीजिएगा और बहन भाई जुगारों के साथ तल्लुकात भी आपको बनाए रखने हैं। कैरियर रोज़गार के हवाले से मैं आपको कहूँ कि ये कोई अच्छा वक्त नहीं है। आपके जो पहले से जारी मनसूबा जाते हैं उन्हीं को कंप्लीट कीजिएगा, नए मनसूबा जात पर काम करना आपके लिए सूदमंद नहीं होगा। अपनी जॉब सेहत दोनों का, स्पेशली अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो आपको बहुत ख्याल करना है। नज़दीकी सफ़र इख्तियार करते वक्त सदका ज़रूर निकालिएगा, 900 ग्राम दाल मसूर या कलेजी का सदका मंगल वाले दिन देना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। और दुआए रद्द नुसरत सैरगान सुबह और शाम नौ मरतबा पढ़ना अपना अब मामूल बना लीजिए। एक बार फिर कह रहा हूँ, कैरियर रोज़गार के हवाले से किसी भी नए फैसले से आपको गुरेज करना है। लक आपका उतना साथ नहीं दे रही, दोस्त अहबाब भी आप उनके उतना साथ नहीं दे पा रहे, और अगर आप बैरून मुल्क मुकीम हैं तो आपको खुदा ना खास्ता वापसी की राह देखनी पड़ सकती है। इमिग्रेशन वगैरह अप्लाई करने के लिए भी कतई तौर पर हालात माफिक नहीं होंगे। मजमूई तौर पर देखूँ तो ये आपके लिए एक एहतियात तलब हफ्ता है। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी परवरदिगार की मेहरबानी से, और कुछ जो है वो इंडिकेशन करी हैं कि आपको मोहतात रहना है। उम्मीद करता हूँ जो मालूमात मैंने आपके साथ शेयर की ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन ज़रूर पुश कर लीजिएगा ताकि बर वक्त आपको वीडियोज़ मिलती रहें। एक नया सिलसिला ऑनलाइन हम स्टार्ट करने लगे हैं लाइव इसमें आज़म बताने का, तो इसके हवाले से मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप बल्कि बताइए आपके मशवरे से, क्योंकि आप हमारा चैनल हमारी फैमिली है, आपके मशवरे से हमने टाइम एडजस्ट करना है। कौन सा टाइम ऐसा रमज़ान मुबारक में आपको सूट करता है जिसमें हम आपको लाइव आपके इसमें आज़म बता सकें, क्योंकि ये रमज़ान मुबारक है तो इसमें इसमें आज़म की बरकत जो है वो कई गुना बढ़ जाएंगी। ये आपके लिए तोहफा है, आपसे दुआएँ लेने के लिए इसको मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि कौन सा टाइम आपको सूट करता है, ताकि हम जो ज़्यादा जिसके बारे में राय आएगी जो टाइम के बारे में, इंशाल्लाह उसी को लेके चलेंगे और उसी के वक़्त में हम कोशिश करेंगे कि आपको आपका इसमें आज़म बताया जाए। हमारा अगला और आखिरी जोडिक साइन पाइसिस, यानी कि बुर्ज हौत, ऐसे तमाम अफराद जो कि 19 फरवरी से लेकर 20 मार्च के दरमियान पैदा होते हैं और डेट ऑफ बर्थ कंफर्म है तो वो पाइसिस में आते हैं। और अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है और आपके जो कैपिटल वर्ड हैं वो दाल और चे हैं तो आप भी पाइसिस में आते हैं। आपका जो दिन है वो जुमेरात है, सैारा मुश्तरी है और लकी अदद 7 आपसे मनसूख किया जाए। जवाहरात में आपके लिए सबसे बेहतर एमरल्ड यानी कि जमुरद है, पेरीडो है, येलो सफ़ायर भी आप पहन सकते हैं, ग्रीन अगेट आप पहन सकते हैं। ये चीज़ें आपके लिए पहनना बहुत ही फ्रूटफुल होता है। आपको परवरदिगार ने ये जो नेमतें दी हैं उससे मुस्तफ़ी ज़रूर होइएगा। इस हवाले से बहुत अरसे से मैं कह रहा था कि एक खुशखबरी इंशाल्लाह जल्द दूँगा, आज आपके लिए दो खुशखबरियाँ हैं। एक ये कि 15 रमज़ानुल मुबारक के मुबारक तरीन दिन में हम जो है ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह www.javagems.com के नाम से आपके लिए ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो जेमस्टोन की मुमकिन हो जाएगी। आपको घर बैठे आपकी पसंद का और पूरे एतमाद के साथ रियल स्टोन मिल सकेगा, जो कि आपके बहुत सारे मामलों के लिए इंशाल्लाह बेनिफिशियल होगा। दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि आपकी मशावरत से हम जो है वो इसमें आज़म जो है वो बताने के सिलसिला स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि लाइव ट्रांसमिशन में इंशाल्लाह हम आपको देंगे। यूट्यूब पे ही हम इंशाल्लाह लाइव होंगे और इसके थ्रू ही हम आपको जो है वो बताएंगे। इसके लिए मैं तमाम जोडिक साइन वालों से कह रहा हूँ कि आप टाइम बताइए कि किस टाइम जो है, क्योंकि शेड्यूल रमज़ान मुबारक है, कौन सा ऐसा टाइम है जब आपको जो है वो लाइव ट्रांसमिशन में आपका इसमें आज़म बताएं। जो ज़्यादा अक्सरीती राय होगी इंशाल्लाह उसी को फॉलो करते हुए हम इसका टाइम एडजस्ट करेंगे।
और रमज़ानुल मुबारक के मुबारक तरीन महीने में इस्मे आज़म की बरकत जो है ना उस मिटने की कोशिश करेंगे। हमारे इस ट्रांसमिशन का नाम तलाश इस्मे आज़म होगा इंशाल्लाह, यानी आपको आपके मकसद के तहत आपके नाम और आदात के मुताबिक आपको तरीक़ाकार भी बताया जाएगा, आप इस्मे आज़म जो है उसको स्टार्ट कीजिए इंशाल्लाह। रमज़ान मुबारक के इस मुबारक तरीन महीने में हम फ्यूज़ और बरकात का इस्मे आज़म के ज़रिए जो है वो हसूल अपने लिए मुमकिन बनाएंगे। आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा? 19 से 25 मई, कुछ चीज़ें मैं आपको पिछले हफ्ते बता चुका, जुपिटर जो कि आपके आपके ताले का हाकिम है और आपके कैरी रोज़गार से मुतलका सैयारा है, ये रिजत में है। 11वें घर का हाकिम सैयारा जोहल, वो भी रिजत में है। 12वें घर का भी हाकिम है, आपकी ख्वाहिशात, आपकी लत, दोस्त अहबाब, आपके गेंस और आपके इमिग्रेशन, आपके बिरून मुल्क क्याम और नुकसान, इससे मुतलका सैयारा जोहल, ये भी रिजत में। तो ये तमाम सेक्टर जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। पिछले हफ्ते भी मैंने बताया था, इस हफ़्ते भी वही सिचुएशन बरकरार है, ये अगला काफ़ी अर्सा ऐसे ही बरकरार रहनी है। अहम तीन चीज़ आपके खाने माल का हाकिम सैयारा मरीख जो कि 16 तारीख को अपनी जगह तब्दील कर चुका है, ये आपके 9वें घर का भी हाकिम है और 5वें घर में नेगेटिव हुआ है, तो इसकी वजह से आपके अखराजात में तेज़ी आएगी। बहुत सारे अखराजात आपको अपने बच्चों की वजह से बर्दाश्त करने पड़ेंगे, या आपके फ्योंसी की वजह से, अपने लव अफेयर्स की वजह से, और अपने ससुराली जुकारब पे आपको बहुत सारे अखराजात करने पड़ेंगे। ससुराली जुकारब के साथ आपके ताल्लुकात ख़राब भी हो सकते हैं। अब ये वक्त नहीं होगा कि आप बिरूने मुल्क सफ़र इख्तियार कर सकें, और इस हवाले से रुपये का लेन देन कतई तौर पर फ़ायदेमंद नहीं होगा। अगर आप इस ड्यूरेशन में ये जो कि 2 जुलाई तक रहेगा, आप अगर कोई लेन देन करते हैं बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से, तो आपको कतई तौर पे माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसी तरह आपकी मंगनी भी ख़तरे में होगी, अगर आप कोई खातून है और प्रेग्नेंट हैं तो आपको अपनी प्रेगनेंसी का ख़ास ख्याल करना पड़ेगा। आपको 900 ग्राम दाल, मसूर या मुर्गी का कलेजा, हर कलेजी का सदका हर मंगल जो है वो देना आपके लिए ज़रूरी होगा। प्रॉपर तरीके से अपना चेकअप करवाइएगा, लाजमी करवाइएगा, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। मरीख और राहु का किरान आपके जायचे के 5वें घर में और जोहल के साथ जो है उसका मुकाबला, ये कतई तौर पे जो थोड़ा सा भी नजूम जानता है वो मेरी बात को बिल्कुल फॉलो कर गया होगा कि ये एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल जो है वो बनने के लिए जा रही है। मैंने कोशिश की थी कि मैं इस हवाले से अलग से एक वीडियो बना के दूँ, लेकिन चूँकि आप लोग नेगेटिव सुनना नहीं चाहते, हकीकत आप सुनना नहीं चाहते, लिहाजा मैंने इसको ब्रेक किया और अब ये इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके आपको गाइड करता चला जाऊँगा। आपके नज़दीकी सफ़र, आपके सोशल एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी, वीनस अपने ही घर में आ चुका है, तो बहन भाई जुकारों के साथ जारी कशीदगी का इंशाल्लाह अब खात्मा होगा, ताल्लुकात बेहतर होंगे और आपके समाजी ताल्लुकात जो हैं वो अरूज पे जाएंगे। आप समाजी ताल्लुकात में भरपूर तरीके से इन्वॉल्व होते नज़र आ रहे हैं, ये एक अच्छी पोजीशन है। 4वें घर का हाकिम सैयारा भी अच्छी पोजीशन में, सवारी और जगह की तब्दीली मुमकिन होगी, इस हवाले से आप किसी बहन भाई की मदद ले सकते हैं जो कि आपके लिए बेहतर होगा, और जो वालदे हैं उनके साथ भी आपके ताल्लुकात बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। आपकी सेहत, आपकी जॉब से मुतलका सैयारा ये भी अच्छी नज़र देख रहा है, आपके ताले को अच्छी पोजीशन बनती नज़र आ रही है। इंशाल्लाह आपके ये मामलात अच्छी तरफ चल रहे हैं और जॉब का हसूल आपके लिए मुमकिन होगा, एक बेहतर जॉब का हसूल जो है वो मुमकिन होगा। इस हवाले से भी आपके समाजी ताल्लुकात आपके लिए बहुत अहम होंगे, इनको यूज़ कीजिए और इस वक्त इनको यूज़ करना आपके लिए इंतहाई फ्रूटफुल साबित हो सकता है। आपके अजवाजी ताल्लुकात, आपकी शराकतदारी, आपके अपने फ्योंसी के साथ, अपने हस्बैंड, अपने वाइफ के साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छी पोजीशन में है। इस हवाले से आपकी सोशल एक्टिविटीज़ जॉइंट एडवेंचर में जो हैं वो जारी हैं और आपके लिए ये एक बेहतरीन पोजीशन जो है वो बन रही है। आपके मुश्तरका जो माली मामलात हैं उसके हवाले से भी अब इंशाल्लाह आपकी अर्निंग बेहतर होनी शुरू हो जाएगी, और अगर आप कोई जॉइंट एडवेंचर में काम कर रहे तो इंशाल्लाह आपकी इनकम में इजाफा होगा। और आपकी शराकतदारी में ये मामला, तो इसके अलावा आपके विरासती मामला वो भी अब इंशाल्लाह हल होते नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से भी आप अपने सोशल जो सर्कल है उसको भी यूज़ कर रहे हैं और बहन भाइयों की तरफ से भी आपको जो है हल मिल रही है। इंशाल्लाह ये मामला अगले दिनों में आपके लिए बेहतर होते चले जाएँ। मजमूई तौर पर
ये आपके लिए एक मिला जुला हफ्ता था। कुछ चीज़ें बहुत बेहतर हुई हैं ज़ोरा की शक्ल में और कुछ चीज़ें बहुत वर्स होने जा रही हैं मरी की शक्ल में। ये एक कुदरत का निज़ाम है। जैसे मैंने कई बार कहा कि दिन दोपहर रात ये सारा एक सर्कल चलता है, इसी तरह सियारगन अच्छी और बुरी फॉर्मेशंस बनाते रहते हैं। ये परवरदिगार की हिकमत से चलते हैं और उसी ने इनको कुछ ख़ास अहकाम सर अंजाम देने का हुक्म दिया है और अकलमंद कौमों के लिए इसमें निशानियाँ हैं। ये परवरदिगार का हुक्म है और इसके आगे सर तस्लीम खम है। और परवरदिगार कहता है कि मुझे मेरे खूबसूरत नामों से पुकारो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इसी सिलसिले में दुआ रद्द नुसरत सियारगन, जिसमें कि तमाम जो इसमें उसमें उसना है उनको हम इसमें आज़म कौक भी कहते हैं, उसको पढ़ना अपना मामूल बनाइए रोज़ाना सुबह और शाम 9 मरतबा। और अपनी सेहत का बहुत ख्याल कीजिएगा, स्पेशली अगर आप कोई फीमेल हैं और प्रेगनेंट भी हैं तो आपको बहुत ही ख्याल करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप पुराने हैं तो चैनल दूसरे दोस्त साहब आपके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, इस उम्मीद के साथ कि परवरदिगार आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा और इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आपकी तमाम मुश्किलात को हल करे। और आपके लिए ये ढेरों दुआओं का तालिब हूँ और अपने लिए और अपनी मीडिया टीम के लिए आपसे मुतमन्नी हूँ कि आप भी मुझे दुआओं में शामिल कीजिएगा। और आपसे ज़्यादा चाहूँगा ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।